Rahman Rahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor, and now I'm going to teach you a very important and conceptual subsection, which is the bioenergetics and photosynthesis. In this particular subsection, first of all, we will discuss bioenergetics, and then we'll spend significant amount of time on understanding the photosynthesis. Let's start off with bioenergetics. So, सबसे पहले हम bioenergetics की definition पे बात करते हैं. Bioenergetics is basically the quantitative study of energy relationships and energy conversions in the biological systems. Basically, ये quantitative study है overall energy relationships की और energy conversions की in the biological system. यहाँ पे मैं एक point generate करना चाहता हूँ कि you see in here कि जितने भी living organisms हैं on the planet Earth, इन सब के लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज सनलाइट, राइट. अब सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली सनलाइट को अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को पुश करने के लिए यूज नहीं कर सकते. ऑलराइट, सो यू सीन हियर कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको फिर फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, राइट. और उसके बाद फिर उस फूड को जो बहुत से दूसरे ऑर्गेनिजम्स जब वो लेते हैं तो वो उस फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं और दोबारा फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने बॉडी फंक्शंस के लिए यूज करते हैं. तो ये जो एनर्जी की कन्वर्जन्स हैं इन द बायोलॉजिकल सिस्टम्स, बेसिकली बायोएनर्जेटिक्स इट डील्स विद दीज एनर्जी कन्वर्जन्स, राइट. और जो डिफरेंट एनर्जी रिलेशनशिप्स हैं ओवरऑल, उनको भी क्वांटिटेटिवली ये जो ब्रांच है बायोलॉजी की ये स्टडी करती है. सो ये एक हमारे पास फोटोग्राफ है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है बायोएनर्जेटिक्स का. यू सीन है कि ओवरऑल जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो सनलाइट को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो बना रहे हैं ऑक्सीजन एंड द ग्लूकोज, राइट. सो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं दिस इज फोटोसिंथेसिस. और उसके बाद फिर जो सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन बींग्स, बैक्टीरिया बींग द सिंपलेस्ट एंड ह्यूमन बींग्स बींग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, तो ये सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली उनके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है. और रेस्पिरेशन में क्या किया जाता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है और अल्टीमेटली वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट. सो इसमें आप देखें कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस में पहले लाइट एनर्जी फूड एनर्जी में कन्वर्ट हुई. यू सीन हियर कि लाइट एनर्जी फूड एनर्जी में कन्वर्ट हुई और उसके बाद फिर सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. फूड एनर्जी इट गेट्स कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी, राइट. सो बेसिकली ये जो एनर्जी कन्वर्जन्स हैं और एनर्जी रिलेशनशिप्स हैं इनकी जो स्टडी है दैट इज बायो एनर्जेटिक्स. सो यहाँ पे अब एक ये दो इक्वेशंस हैं, इसमें जो ये वाली इक्वेशन है ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की समरी है. यू सीन हियर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन होके ये ग्लूकोज बना रहे हैं, साथ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अलावा साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है. और इसमें अगर आप गौर करें कि कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम्स रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज और जो वाटर है ये ऑक्सीडाइज होता है और अल्टीमेटली यू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट, राइट. और उसके बाद फिर ये वाला जो रिएक्शन है बेसिकली ये समरी है सेलुलर रेस्पिरेशन की. इसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली इससे कहने के ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बनना है, राइट. सो इसमें आप देखें कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज हुआ है इंटू द कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि जो ऑक्सीजन है ये रिड्यूस हुई है इंटू वाटर, राइट. सो इसमें आप देख सकते हैं कि ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की हुई है रिडक्शन और वाटर की हुई है ऑक्सीडेशन. इसके बरक्स अगर आप देखें सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की हुई है ऑक्सीडेशन जबकि ऑक्सीजन की हुई है रिडक्शन. और एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप नोट डाउन करें वो ये है कि जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स हैं वही सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स हैं और जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली वही सेलुलर रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट्स हैं. सो ग्रॉसली स्पीकिंग ये जो दो प्रोसेसेस हैं दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर. सो एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी रिड्यूस हो रही है, या सिमिलरली सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन सा कॉम्पोनेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिएक्टेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, एंड सो ऑन. सो आई होप दैट यू विल बी एबल टू आंसर सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस थ्रू द टोकन ऑफ दीज इक्वेशंस.
And now let's start off our discussion with the photosynthesis. So photosynthesis को हम overall different segments में discuss करेंगे. सबसे पहले मैं आपको complete mind map एक दूंगा photosynthesis का, एक बड़ी तस्वीर आपके दिमाग में बनाऊंगा photosynthesis की, कि this is how we are going to discuss or study the photosynthesis step by step. और उसके बाद फिर खास तौर पे हम definition and need for photosynthesis इसको in detail discuss करेंगे. और उसके बाद फिर we'll talk about the prerequisites of photosynthesis, कि photosynthesis को carry out करने के लिए क्या क्या requirements हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे. और लास्ट पे फिर हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द माइंड मैप ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो माइंड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से यू सीन हियर कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस है क्या, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, या इसकी हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. सेकेंडली, व्हाई डू वी नीड टू हैव फोटोसिंथेसिस, सो हम नीड फॉर फोटोसिंथेसिस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. एंड थर्डली, हाउ फोटोसिंथेसिस इज अकम्प्लिश्ड. सो हाउ के अंदर हम इन टर्न क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम प्रीरिक्विजिट्स को डिस्कस करेंगे या रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस की. बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं या प्रीरिक्विजिट्स हैं फोटोसिंथेसिस के. हम क्या करेंगे, हम इन सब का एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. और इसके अलावा हम लाइट और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को सेपरेटली भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की हम एक फ्लो शीट भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, सो एज टू डेवलप अवर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. और उसके बाद फिर हाउ के अंदर, हाउ द फोटोसिंथेसिस इज अकम्प्लिश्ड, इसमें प्रीरिक्विजिट्स को या रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करने के बाद हम रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. अब फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शंस हैं, ये हमारे पास दो तरह के हैं, एक लाइट रिएक्शन है और दूसरा डार्क रिएक्शन है. जो लाइट रिएक्शन है, इन टर्न इट कैन टेक प्लेस वाया द साइक्लिक पाथवे, या फिर ये नॉन साइक्लिक पाथवे के जरिए भी कैरी आउट किया जा सकता है. सो हम लाइट रिएक्शन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. इसमें हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पाथवेज दोनों को डिस्कस करेंगे. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन इन फोटोसिंथेसिस वी विल बी डिस्कसिंग द डार्क रिएक्शन इन डिटेल. सो ये है माइंड मैप फोटोसिंथेसिस का. वंस अगेन, आप दिमाग में इस चीज को बैठा लें. सबसे पहले हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है, इसकी क्यों जरूरत पेश आती है, और फिर इसने कैसे कैरी आउट होना है, कैसे के अंदर हम फर्दर देखेंगे कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसके बाद इसके रिएक्शंस कैसे कैरी आउट होते हैं. रिएक्शंस इन टर्न लाइट और डार्क रिएक्शन है, जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो नाउ we have discussed the mind map of photosynthesis. अब हम discuss करते हैं definition and need for the photosynthesis. ये computerized photograph है जो कि photosynthesis के बारे में आपको बता रही है. You seen here कि इसमें एक ये plant है, एंड ये जो प्लांट है ये सॉयल से वाटर ले रहा है, और इसके अलावा एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और इसके अलावा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसके अंदर ऑलरेडी ग्रीन पार्ट्स में मौजूद हैं, और सनलाइट से ये बेसिकली ओवरऑल लाइट एनर्जी ले रहा है. और अल्टीमेटली सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके इसने ग्लूकोज बनाना है, और अल्टीमेटली साथ ऑक्सीजन रिलीज होनी है विच इज गोइंग टू द एनवायरनमेंट. सो बेसिकली ओवरऑल यू कैन विजुलाइज कि फोटोसिंथेसिस जो कैसे कैरी आउट हो रही है. थ्रू द कोर्स ऑफ रेस्ट ऑफ आवर डिस्कशन हम इसी प्रोसेस की निटी ग्रिटी में जाएंगे. राइट, सो यू सीन हियर, लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन एंड नीड फॉर द फोटोसिंथेसिस. सो बाय डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस क्या है, यू सीन हियर, प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर कंपाउंड्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वाटर, दे आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड्स जैसे कि ग्लूकोज यूजिंग द light energy that is absorbed and converted into chemical energy by the photosynthetic pigments. So basically, अब ये कह सकते हैं कि photosynthesis ये एक ऐसा process है जो energy poor compounds को energy rich compounds में convert करता है, एंड ये काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करके अल्टीमेटली उसको केमिकल एनर्जी में और अल्टीमेटली यू कैन से कि फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. अब इसकी इक्वेशन को भी आप देख लें कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से बेसिकली ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, साथ इवन राइट हैंड साइड पे भी वाटर अपीयर हो गया हुआ है इक्वेशन में, लाइक वाटर इसमें प्रोड्यूस भी होता है, और इसके अलावा फिर यू सीन हियर कि ऑक्सीजन भी एनवायरनमेंट में रिलीज होती है. कार्बन डाइऑक्साइड की इस प्रोसेस में रिडक्शन होती है, जबकि जो वाटर है उसकी इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन
होती है. सो ये समरी रिएक्शन है या इक्वेशन है ओवरऑल फोटोसिंथेसिस की. अब यहां पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, विच ऑर्गेनिजम्स कैन डायरेक्टली यूज लाइट एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म. ए ऑप्शन इज एनिमल्स, बी ऑप्शन इज प्लांट्स, सी ऑप्शन इज फंजाई, डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस. इफ यू आर थिंकिंग दैट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्लांट्स, यू आर थिंकिंग ऑन द रॉन्ग लाइंस. यहां पे एक कीवर्ड है डायरेक्टली यूज. तो आपकी बुक में क्लियरली स्टेटेड है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो लाइट एनर्जी को डायरेक्टली ओवरऑल अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज कर सके, राइट. सो डायरेक्टली उसको यूज नहीं किया जा सकता. ऑफकोर्स इवन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स भी हैं, वो भी पहले उस लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और उसके बाद उसको किसी ना किसी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन दे विल बी एबल टू यूज इट. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा. ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं नीड फॉर फोटोसिंथेसिस की, कि फोटोसिंथेसिस की जरूरत क्यों पेश आती है. यू सीन हियर कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, फर्स्ट फैक्ट है. और उसके बाद फिर सारे के सारे जो सेल्स हैं दे नीड एनर्जी, सभी सेल्स को एनर्जी चाहिए. एंड देन यू सीन हियर दैट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन द प्लैनेट अर्थ दैट इज सनलाइट. अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सनलाइट है. इवन वी आर डिपेंडेंट ऑन द सनलाइट फॉर आवर एनर्जी नीड्स. हाँ, ये अलग बात है कि हम डायरेक्टली सब हम लाइट एनर्जी को ट्रैप नहीं कर सकते, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं उन ऑर्गेनिजम्स पे जो कि अल्टीमेटली सनलाइट पे डिपेंडेंट है फॉर ड्राइविंग द एनर्जी. ऑलराइट, सो अल्टीमेट सोर्स सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए प्लैनेट अर्थ पे वो क्या है, दैट इज द सनलाइट. एंड ये एक पैराडॉक्सिकल फैक्ट है, लगता ये है कि ये रॉन्ग है, लेकिन ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है दैट नो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स इवन कैन डायरेक्टली यूज लाइट एनर्जी फॉर देयर मेटाबॉलिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म इवन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी लाइट एनर्जी को डायरेक्टली अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज नहीं कर सकते, वो ट्रैप करेंगे, यूजेबल फॉर्म में लेके आएंगे, फिर उसको अपने मेटाबॉलिज्म में यूज करेंगे. एंड एक और फैक्ट है, फोटोसिंथेसिस इज अ वे ऑफ ट्रैपिंग लाइट एनर्जी and make it available to the living organisms. Photosynthesis basically ये एक way है light energy को trap करने का और living organisms को उसको available करने का या avail करने का. And there would be no life on earth without photosynthesis. So अगर photosynthesis नहीं होगी, we would be having no way to trap the energy in the sunlight. So ultimately there would be no life on earth. So photosynthesis की जरूरत क्यों पेश आती है? So अब ये कह सकते हैं कि if there would be no photosynthesis, there would be no life on earth. Alright, so this was all about the need for the photosynthesis. So अभी तक हमने photosynthesis के mind map को discuss किया, फिर हमने definition and need for photosynthesis को in detail discuss किया, and now we are going to discuss the prerequisites of photosynthesis. कि photosynthesis के लिए जो requirements हैं, वो कौन-कौन सी हैं, हम उनको detail से देखते हैं. I would like to ask few questions before I straight away start discussing about the requirements. So statement hai hamare paas, the oxygen present in glucose molecule formed during photosynthesis comes from, right? So oxygen jo ke glucose mein present hai, right, actually jo ke photosynthesis ke dauran banta hai, it comes from. A option is carbon dioxide, B option is water, C option is environment, D option is photosynthetic pigments, and the best response to this question is carbon dioxide. Yahan pe aap keh sakte hain ki sir jo oxygen hai wo to basically jo environment mein release ho rahi hai wo to oxygen aati hai from the water, lekin yahan pe baat ho rahi hai us oxygen ki jo ke glucose ke andar hai. राइट, सो वो ऑक्सीजन जो ग्लूकोज के अंदर है, इसने कहां से आना है? इसने आना है फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड. सो अल्फा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. वाटर इसके लिए रॉन्ग होगा. हाँ, अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि वो ऑक्सीजन जो कि एनवायरमेंट में रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो कहां से आती है, फिर वाटर हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स होता. एनीवेज, अल्फा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. Another question, which of the following entity can act as source of carbon for aquatic photosynthetic organisms? Right, A option is dissolved carbon dioxide, B is dissolved bicarbonate, C option is soluble carbonates, D option is all of these. तो ये सभी के सभी जो है carbon dioxide का source हो सकते हैं for the aquatic photosynthetic organisms. So best response to this question would be delta, pretty simple question.
Now, let's construct a table of the prerequisites or requirements of the photosynthesis. In the extreme left column, we have got the respective entity. And second column mein, wo jo bhi entity hai, wo kis tarike se hasil hogi, ya kahan pe wo present hogi, hum iske upar baat karenge. Aur third column mein, extreme right column mein, hum basically us respective entity ke function ya functions ko in detail discuss karenge. So, first of all, we have got carbon dioxide. To terrestrial plants में कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली कहां से आती है, ये एनवायरनमेंट से आती है. तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उनके जरिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट मेक्स इट्स वे इनटू द सेल्स जहां पे फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होनी है. जबकि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में डायरेक्टली जो एनवायरनमेंट में डिफरेंट फॉर्म्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है लाइक कार्बोनेट्स वगैरह की शक्ल में, सो डायरेक्टली एक्वेटिक प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को अक्वायर कर लेंगे. और कार्बन डाइऑक्साइड का फंक्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सोर्स ऑफ कार्बन है, राइट. सो दिस इज बेसिकली द सोर्स ऑफ कार्बन. और इवन इसके अलावा जो ऑक्सीजन इन ग्लूकोज है उसका भी सोर्स अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड ही है. ऑलराइट, एंड देन वी हैव गॉट द वाटर. अब टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स हैं उन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में रूट्स के जरिए सॉइल से वाटर ऑब्टेन किया जाता है, जबकि एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं दे आर डायरेक्टली सराउंडेड बाय वाटर, सो उसी वाटर को वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करेंगे. अब वाटर के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यू सीन हियर वाटर के अंदर दो तरह के एलिमेंट्स हैं, यू हैव गॉट द हाइड्रोजन एंड यू हैव गॉट द ऑक्सीजन. अब जो वाटर में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने बेसिकली NADP को रिड्यूस करना है. रिमेंबर NADP और NAD में डिफरेंस है. NADP इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और ये जो NADP है ये एक कोएंजाइम है किसका, फोटोसिंथेसिस का. सो NADP इज अ कोएंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट, इट्स कोएंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस. जबकि जो NAD है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड वो भी एक कोएंजाइम है लेकिन वो सेलुलर रेस्पिरेशन का कोएंजाइम है. सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में ओवरऑल जो वाटर से हाइड्रोजन ने आना है, हाइड्रोजन का मेजर काम क्या है, रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2. और उसके बाद फिर जो वाटर में ऑक्सीजन है तो यही ऑक्सीजन है जिसने एनवायरनमेंट में रिलीज होना है. सो बेसिकली दिस इज द सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑक्सीजन, राइट. सो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये वो ऑक्सीजन है जिसने फोटोसिंथेसिस के नतीजे में एनवायरनमेंट में जाना है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये वो ऑक्सीजन है जिसने फोटोसिंथेसिस के नतीजे में अल्टीमेटली ग्लूकोज में जाना है. एंड देन वी हैव गॉट द लाइट. तो लाइट में खास तौर पर जो विजिबल स्पेक्ट्रम है लाइट का, यानी कि 380 टू 750 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो कह लें कि रेज हैं, वो वर्क वाइल हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस. और टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों तरह के प्लांट्स के लिए जो सनलाइट है वही मेजर सोर्स है लाइट का. यहां पे एक और क्वेश्चन भी अराइज होता है, क्या आर्टिफिशियल लाइट या मून लाइट की प्रेजेंस में भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है? एंड द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज यस, इवन आर्टिफिशियल लाइट और मून लाइट की प्रेजेंस में भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, राइट, क्योंकि उसके अंदर भी जो विजिबल स्पेक्ट्रम सेम वेवलेंथ की जो रेज है वो मौजूद होती है. हां, यह हो सकता है कि एफिकेसी कम हो बट स्टिल फोटोसिंथेसिस हो सकती है. और इसका लाइट का फंक्शन क्या है, बेसिकली ये अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का. तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारा मकसद क्या है, हमने लाइट ही की एनर्जी को तो ट्रैप करना है, सो ये बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट. और उसके बाद फिर नेक्स्ट वी हैव गॉट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. तो जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक प्लांट्स हैं दोनों के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये सेल्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का काम क्या है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना. सो ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी इज अ मेजर फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. ऑलराइट, सो अब इस टेबल में से एग्जाम क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, लाइक एग्जाम आपको फंक्शन दे के एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि ये किस एंटिटी का फंक्शन है, लाइक कार्बन का सोर्स कौन सी एंटिटी है, या ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में जा रही है वो किस एंटिटी से आ रही है, या जो ऑक्सीजन ग्लूकोज में जा रही है वो किस एंटिटी से आ रही है, एंड सो ऑन, राइट. सो इस तरह से रिडक्शन ऑफ NADP किस का फंक्शन है या एंड सो ऑन, इस तरह से एग्जाम फंक्शन दे के आपसे एंटिटी के बारे में पूछ सकता है. और सिमिलरली इवन एंटिटी मेंशन करके आपसे रिस्पेक्टिव फंक्शन के बारे में भी पूछ सकता है. और डिफरेंट वेज में इवन कि किस तरीके से कोई रिस्पेक्टिव एंटिटी प्लांट्स अक्वायर करते हैं इसके बारे में भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. सो आई वांट यू टू मेमोराइज दिस टेबल. इस टेबल में ओवरऑल ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, जो दो प्रीरिक्विजिट्स हैं या दो रिक्वायरमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस की, दैट इज लाइट एंड द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इनको हम आगे चल के अभी फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड कुछ और भी हाई यील्ड फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं और इंपॉर्टेंट हैं.
So here I have got a question for you at this stage. In action spectrum, which lights show maximum rate of photosynthesis? A option is green, B option is blue, C option is orange, and D option is red. And the best response to this question is beta, that is blue. Iski reasoning ko hum aage chalke detail se discuss karte hain. So अब हम लाइट के अब्सॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं. हमने देखा कि लाइट फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट से एक मेजर रिक्वायरमेंट थी. अब बेसिकली लाइट से रेलेवेंट दो स्पेक्ट्रा की अंडरस्टैंडिंग है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. राइट, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है. बेसिकली नाम से ही जाहिर है ये अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है. ये स्पेक्ट्रम है विच हैज गॉट समथिंग टू डू विद द अब्सॉर्प्शन. राइट, सो स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट विद डिफरेंट वेवलेंथ्स बाय डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. अब देखिए हमारे पास डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, लाइक क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स वगैरह हैं. वी हैव गॉट द डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. हर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट्स को वो प्रेफरेबली अब्सॉर्ब करता है और डिफरेंट वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट करता है. सो उसके अकॉर्डिंगली उसका अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है. राइट, सो अब्सॉर्प्शन इज मैक्सिमम इन ब्लू एंड द रेड पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम. क्योंकि अल्टीमेटली वैसे तो सारे के सारे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं इन्होंने सिर्फ और सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम की ही डिफरेंट वेवलेंथ्स को अब्सॉर्ब करना है. तो ज्यादातर जो कॉमन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है. राइट, सो जनरली हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, चूंकि कॉमन फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है वो हमारा क्लोरोफिल ए है, तो हम कह सकते हैं कि अब्सॉर्प्शन जो है वो चूंकि ए की मैक्सिमम है ब्लू और रेड पोर्शन की, सो हम जनरली कह देते हैं कि जी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो मैक्सिमम लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं इन द ब्लू एंड द रेड पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम. राइट, ब्लू की वेवलेंथ जो 430 नैनोमीटर है और रेड की जो वेवलेंथ 670 नैनोमीटर है. सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी लाइट क्लोरोफिल ए या जनरली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मैक्सिमली अब्सॉर्ब करते हैं, बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी ब्लू. एंड इफ ब्लू इज नॉट ऑन द लिस्ट यू कैन पिक रेड. कई दफा एग्जाम कलर्स डायरेक्टली देने की बजाय वेवलेंथ भी दे सकता है कि कौन सी वेवलेंथ को जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है या क्लोरोफिल ए है मे बी वो मैक्सिमली अब्सॉर्ब करता है. तो उसके लिए भी ऑफकोर्स आपका जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए दैट इज 430 नैनोमीटर, और उसके बाद अगर ये लिस्ट पे नहीं है देन मे बी यू कैन पिक द 670 नैनोमीटर. And then we have got the action spectrum, right? अब एक्शन स्पेक्ट्रम से क्या मुराद है? नाम से जाहिर है एक्शन स्पेक्ट्रम, इट हैज गॉट समथिंग टू डू विद द एक्शन. बेसिकली ये वो स्पेक्ट्रम है विच शोज द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स और कलर्स ऑफ लाइट इन ड्राइविंग द फोटोसिंथेसिस. के जो डिफरेंट कलर्स हैं वो कितने इफेक्टिव हैं, कितने मोस्टर हैं इन ड्राइविंग द फोटोसिंथेसिस. राइट, सो अब अगर से ओवरऑल आप कह लें कि जो इसमें एक ही जो विजिबल स्पेक्ट्रम है लाइट का, इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, लाइक यू हैव गॉट द रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू, राइट, वायलेट एंड सो ऑन, तो किस वेवलेंथ की प्रेजेंस में मैक्सिमल इफेक्टिवनेस होनी है ओवरऑल इसकी फोटोसिंथेसिस की. राइट, सो बेसिकली ये चीज हमें पता चलती है एक्शन स्पेक्ट्रम से. एंड जो मैक्सिमम रेट है फोटोसिंथेसिस का वो ब्लू और रेड लाइट्स के अंदर है. राइट, मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन भी ब्लू और रेड की है और मैक्सिमम जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो भी ब्लू और रेड रीजन में ही है. खास तौर पे जो ब्लू लाइट है, यू कैन से कि ब्लू लाइट की प्रेजेंस में मैक्सिमल रेट होगा फोटोसिंथेसिस का. सो बॉटम लाइन पॉइंट मेरी डिस्कशन का ये है कि ब्लू लाइट ही सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब होती है और ब्लू लाइट ही की प्रेजेंस में मैक्सिमल रेट होगा फोटोसिंथेसिस का. सो ब्लू लाइट मोस्ट इफेक्टिव है फॉर ड्राइविंग द फोटोसिंथेसिस. वेल, इस फोटोग्राफ में बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा है उनको क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है. सो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव गॉट द ग्राफ ऑफ द अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ग्राफ है एक्शन स्पेक्ट्रम का. अब हम इन ग्राफ्स को जरा इंटरप्रेट करते हैं, इनको अंडरस्टैंड करते हैं. तो यू सीन हियर के जो ओवरऑल ये जो ग्राफ है ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, बेसिकली इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर डिफरेंट वेवलेंथ्स शोन है विजिबल पार्ट ऑफ लाइट की, जबकि वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे डिफरेंट वेवलेंथ्स की परसेंटेज में अब्सॉर्प्शन है. और इसमें डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी वगैरह की जो डिफरेंट कर्व्स हैं वो ड्रॉन है. लेट्स फोकस ऑन द कर्व ऑफ द क्लोरोफिल ए. सो ये जो कर्व है, लाइक दिस इज द कर्व ऑफ द क्लोरोफिल ए. सो इस पे अगर आप गौर करें तो क्लोरोफिल ए जो है, जो कि मोस्ट कॉमन और मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी है, बेसिकली ये मैक्सिमल लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है इन द ब्लू पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम.
अब देख सकते हैं कि ब्लू पार्ट में, और उसके बाद सेकंड इन द रो जो है वो रेड लाइट की अब्सॉर्प्शन है। सो हम ये कह सकते हैं कि ब्लू और रेड लाइट्स जो हैं, बेसिकली ये ब्लू और रेड वेवलेंथ्स जो हैं, ये मैक्सिमली अब्सॉर्ब होती हैं बाय द क्लोरोफिल ए, जो कि मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी है। सो मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन यू कैन सीन हियर कि ब्लू और रेड पार्ट्स के अंदर है। ब्लू की वेवलेंथ 430 और रेड की जो वेवलेंथ है वो 670 नैनोमीटर के लगभग है। ऑलराइट, एंड उसके बाद फिर राइट हैंड साइड पे यू कैन सी द एक्शन स्पेक्ट्रम। अब इसमें भी एक्स एक्सिस के ऊपर जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं विजिबल लाइट की वो गिवन है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर जो रिलेटिव रेट है फोटोसिंथेसिस का वो गिवन है, जिसको हम असेस कर सकते हैं लाइक विद द कंजम्पशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और विद द प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। राइट, उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होगी इसका मतलब है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा कंज्यूम हो रही होगी उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। एनीवेज, इसमें वाई एक्सिस के ऊपर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो अब अगर आप गौर करें कि तो यू सीन हियर कि जो ब्लू वेवलेंथ है, ब्लू वेवलेंथ की रेंज में जो इफेक्टिवनेस है या जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो मैक्सिमल है, और उसके बाद फिर अगर आप देखें कि जो सेकंड पीक है वो रेड वेवलेंथ के अंदर आती है। सो यू सीन हियर, सो मैक्सिमम आप देख सकते हैं के ब्लू और उसके बाद फिर ऑरेंज रेड जो वेवलेंस हैं इनकी प्रेजेंस में हाईएस्ट रेट्स होंगे फोटोसिंथेसिस के। इसमें से भी आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम रेट है वो ब्लू लाइट की प्रेजेंस में है। सो यू सीन हियर, वाई एक्सिस के ऊपर भी आपको मैक्सिमम रेट ब्लू लाइट की प्रेजेंस में मिल रहा है। सो इस फोटोग्राफ में बेसिकली समराइज ये किया गया है कि जो मैक्सिमम एक्शन है वो ब्लू और रेड वेवलेंस की प्रेजेंस में है, या मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्लू लाइट की प्रेजेंस में होगा, और सेकंड इन द रो इस सिनेरियो में जो है वो रेड लाइट आएगी विद 670 नैनोमीटर वेवलेंथ। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द एब्जॉर्प्शन एंड द एक्शन स्पेक्ट्रा। नाउ आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू। स्टेटमेंट इज, कलर शोन बाय मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए इज, ए ऑप्शन इज ब्लू ग्रीन, बी ऑप्शन इज वायलेट ब्लू, सी ऑप्शन इज ऑरेंज रेड, डी ऑप्शन इज वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड। एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी ब्लू ग्रीन। बेसिकली जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, इसका जो कलर है वो ब्लू ग्रीन है। इसकी मेजर रीजन यह है कि ग्रीन लाइट को मेनली ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, इसलिए इसका जो कलर है वो ग्रीन है। राइट, और उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ए। अब देखें, ग्रीन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, अब क्लोरोफिल ए ने अब्सॉर्ब किन लाइट्स को करना है, ब्लू ग्रीन और वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड, वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड। तो हमने देखा था कि वायलेट ब्लू या स्पेसिफिकली ब्लू और रेड रीजन्स में बेसिकली जो ज्यादा जो लाइट है वो अब्सॉर्ब हो रही थी। सो ब्लू के साथ रिलेटेड वायलेट भी है और रेड के साथ रिलेटेड ऑरेंज भी है, सो कंपेरेबल वेवलेंथ्स हैं। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड रीजन जो वेवलेंथ्स हैं ये मैक्सिमली अब्सॉर्ब होंगी बाय द क्लोरोफिल ए, विच इज अवर मेन पिगमेंट इन मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। या आप ये भी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के अलावा जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर जो मेजर क्लोरोफिल है या मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए। हाँ, सिर्फ बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जो अगर फोटोसिंथेटिक हो तो उसके अंदर क्लोरोफिल ए आपको कभी भी नहीं मिलेगा, रादर व्हाट वुड यू हैव देयर, यू विल हैव द बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इवन जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी जो मेजर फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए ही है। मैं सिंपल बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं कि सिर्फ जो सिंपल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्लोरोफिल बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, उसके अलावा जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे साइनोबैक्टीरिया ऑनवर्ड्स उन सब के अंदर जो मेजर क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल ए है। एनीवेज, द क्वेश्चन है हमारे पास, द लाइट ऑफ विच वेवलेंथ शोज मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल्स। सो ए ऑप्शन इज 430 नैनोमीटर, बी 630 नैनोमीटर, सी ऑप्शन इज 470 नैनोमीटर, डी ऑप्शन इज 670 नैनोमीटर। तो हमने देखा था कि मैक्सिमम जो अब्सॉर्प्शन है वो ब्लू लाइट की थी जिसकी वेवलेंथ 430 नैनोमीटर थी। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी अल्फा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सो अभी तक हमने लाइट जो कि एक रिक्वायरमेंट थी फोटोसिंथेसिस की, हमने उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस किया है, और अब हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को डिस्कस करने लगे हैं। सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी ये एक रिक्वायरमेंट है फॉर द फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दे अब्सॉर्ब द विजिबल लाइट, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से हम इनके अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो
अचीव कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं इनको हम टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास मेन पिगमेंट है विच इज क्लोरोफिल ए। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, बैक्टीरिया के अलावा सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल ए। ऑलराइट, और उसके बाद फिर सेकेंडली वी हैव गॉट द एक्सेसरी पिगमेंट्स। सो क्लोरोफिल ए के अलावा कुछ जो भी दूसरे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, एनी पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल ए इन द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, हम उसको कहेंगे ये एक्सेसरी पिगमेंट है। लेकिन बैक्टीरिया इज मेजर एक्सेप्शन टू द रूल। क्या? चूंकि बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ही है वही उसका मेजर पिगमेंट कहलाएगा। एनीवेज, सो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की डिफरेंट ये कह लें कि कैटेगरीज हैं। अब हम इन कैटेगरीज को वन बाय वन डिटेल से जरा देखते हैं। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल ए। अब जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, ये वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड वेवलेंथ्स को मैक्सिमली अब्सॉर्ब करता है, और इसके अलावा ये ग्रीन और येलो कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो यही वजह है कि प्लांट्स का जो कलर है वो ग्रीन है, या प्लांट लीव्स का कलर ग्रीन है, क्योंकि लीव्स के अंदर मेन पिगमेंट प्रेजेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए ग्रीन और येलो वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट करता है, सो प्लांट्स दैट्स व्हाई वो हमें ग्रीन दिखाई देते हैं, या उनके जो भी ग्रीन पार्ट होगा प्लांट्स का, मोस्ट प्रोबेबली उस ग्रीन पार्ट में अबंडेंस में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा। और इसमें अगर आप गौर करें, यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ भी है इसके क्लोरोफिल ए के अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। तो इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर ये डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, राइट? सो वी बी जी वाई ओ आर, यानी कि वायलेट ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड, ये डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं विजिबल पार्ट ऑफ लाइट की, जबकि जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर अब्सॉर्प्शन है। तो आप देख सकते हैं कि वायलेट ब्लू और उसके बाद फिर ऑरेंज रेड रीजन्स में मैक्सिमल अब्सॉर्प्शन हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लोरोफिल ए, राइट? अब क्लोरोफिल बी जो है, क्लोरोफिल बी ये एक असेसरी पिगमेंट है, ये एक असेसरी पिगमेंट है। और असेसरी पिगमेंट्स जो हैं बेसिकली इनका काम क्या होता है, इन्होंने उन वेवलेंथ्स को भी कई दफा अब्सॉर्ब करना होता है जिनको क्लोरोफिल ए अब्सॉर्ब नहीं कर रहा होता, राइट? सो बेसिकली कह लें कि क्लोरोफिल ए के स्पेक्ट्रम को एक्सटेंड करना इन अ सेंस इनका काम होता है, कि जिन वेवलेंथ्स को क्लोरोफिल ए ने अच्छे तरीके से ट्रैप नहीं किया, असेसरी पिगमेंट्स उन वेवलेंथ्स की एनर्जी को ट्रैप करके अल्टीमेटली उन्होंने भी क्लोरोफिल ए को ही हैंड ओवर करनी है वो एनर्जी। एनीवेज, यहां पे मेन जो चीज अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि क्लोरोफिल ए जो है ये वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड रीजन्स में मैक्सिमल अब्सॉर्प्शन करेगा, जबकि जो ग्रीन और येलो रीजन्स हैं यहाँ पे इसने लाइट को रिफ्लेक्ट करना होता है, बेसिकली ग्रीन और येलो को ये जो क्लोरोफिल ए है रिफ्लेक्ट करेगा। ऑलराइट, अब क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर में देयर इज अ हेड एंड अ टेल। जो हेड है ये फ्लैट है, स्क्वायर शेप्ड है, और यही लाइट अब्सॉर्बिंग पोर्शन है। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बेसिकली क्लोरोफिल ए में लाइट किस पोर्शन में अब्सॉर्ब होती है, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी हेड, क्योंकि हेड ऑफ द क्लोरोफिल ए ये वो रीजन है जहां पे लाइट अब्सॉर्ब होनी है, और हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक होता है, और इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, मैग्नीशियम है विद द टेट्रापायरोल रिंग। सो सेंटर में एक मैग्नीशियम, और उसके बाद फिर दिस मैग्नीशियम इज सराउंडेड बाय अ टेट्रापायरोल रिंग। सो वी हैव गॉट दीज फोर पायरोल रिंग्स, राइट? दीज फोर पायरोल रिंग्स। सो और ये जो फोर पायरोल रिंग्स हैं सारे के सारे मिलके ये एक टेट्रा पायरोल रिंग बना रहे हैं। सो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल ए के हेड का, राइट? और इसका जो बेसिकली से सिमिलर आइडिया है स्ट्रक्चर का इसका हीमोग्लोबिन के हीम का भी, कि उसमें बेसिकली मैग्नीशियम की जगह आयरन होता है विच इज सराउंडेड बाय द टेट्रा पायरोल रिंग। लेकिन यहां पे क्या है, मैग्नीशियम है, क्लोरोफिल ए में मैग्नीशियम है सराउंडेड बाय द टेट्रा पायरोल रिंग। सो दिस इज अबाउट द हेड ऑफ द क्लोरोफिल ए। देन There is a tail of क्लोरोफिल ए, और tail जो है ये hydrophobic है, और जो tail है mainly hydrocarbons से बनी है, right? So tail of the क्लोरोफिल ए is comprised of the hydrocarbons, so that's the reason कि ये hydrophobic है। और head के अंदर चूंकि एक आयन है magnesium है, तो यही वजह है कि head जो है वो hydrophilic है या water loving है। So this is all about the main photosynthetic pigment, that is chlorophyll A. And now let's talk about the accessory or other pigments as well. So इसमें जो accessory pigments हैं, they absorb energy that chlorophyll A does not absorb. So accessory pigments का क्या काम है, इन्होंने
उन वेवलेंस को या उस एनर्जी को भी अब्सॉर्ब करना है जिसको क्लोरोफिल ए नहीं अब्सॉर्ब कर पाता. सो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, दे ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बेसिकली एक्सेसरी पिगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से जो मैक्सिमल लाइट जो है वो अब्सॉर्ब की जा सकेगी, यानी कि जिन वेवलेंस को क्लोरोफिल ए ने मिस भी कर दिया है वो भी अब्सॉर्ब की जा सकेंगी विद द हेल्प ऑफ द एक्सेसरी पिगमेंट्स. और अल्टीमेटली जो एनर्जी है वो जानी तो क्लोरोफिल ए के पास ही है क्योंकि वही मेजर रिएक्शन सेंटर होता है. सो एक्सेसरी पिगमेंट्स जो हैं, आगे फर्दर इसको हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. लाइक वी हैव गॉट डिफरेंट क्लोरोफिल्स, लाइक जैसे क्लोरोफिल बी सी डी एंड ई. सो ए के अलावा जितने भी क्लोरोफिल्स हैं वो सारे के सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स ही कहलाएंगे. अब इनके वेरिएबल अब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन पैटर्न्स हैं बट दे आर नॉट हाई यील्ड फॉर एग्जाम. हर एक के लिए अलग अलग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस क्लोरोफिल ने कौन सी वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करना और रिफ्लेक्ट करना है, बिकॉज दिस इज नॉट रेलेवेंट विद द एग्जाम. जस्ट इतना जानना काफी है कि ये उन वेवलेंथ को भी अब्सॉर्ब करते हैं, जैसे भी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा भी था कि क्लोरोफिल बी जो है वो कुछ उन वेवलेंथ को भी अब्सॉर्ब कर रहा था जिनको क्लोरोफिल ए अब्सॉर्ब नहीं कर रहा था. सो टू ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम ऑफ अब्सॉर्प्शन बेसिकली ये इनका एक्सेसरी पिगमेंट्स का काम है. और सेकेंडली वी हैव गॉट द कैरोटीनॉइड्स. अब जो कैरोटीनॉइड्स हैं यू सीन हियर, कैरोटीनॉइड्स बेसिकली ये ब्लू और वायलेट लाइट्स को अब्सॉर्ब करते हैं और येलो ऑरेंज एंड रेड को इन्होंने रिफ्लेक्ट करना है. ये एग्जाम के लिए हाई यील्ड फैक्ट है. राइट, सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कैरोटीनॉइड्स किन वेवलेंस को अब्सॉर्ब करेंगे, बेस्ट रिस्पॉन्स इज ब्लू एंड वायलेट. एंड किन वेवलेंस को रिफ्लेक्ट करेंगे, बेस्ट रिस्पॉन्स इज येलो ऑरेंज एंड रेड. राइट, अब जो कैरोटीनॉइड्स हैं इनको इन टर्न हम दो सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. We have got the xanthophylls and we have got the carotenes. अब जो जिनका कलर येलो है हम उनको कहते हैं they are xanthophylls. जबकि वो carotenoids जिनका कलर ऑरेंज या रेड है बेसिकली हम कहते हैं कि they are carotenes. Right? अब carotenes और carotenoids में फर्क है. कैरोटीनॉइड्स एक मेजर कैटेगरी है और कैरोटीन एक सब कैटेगरी है कैरोटीनॉइड्स की. हम ये भी कह सकते हैं कि हर कैरोटीन कैरोटीनॉइड है लेकिन हर कैरोटीनॉइड कैरोटीन नहीं है. एनीवेज, सो ज़ैंथोफिल्स बेसिकली ज़ैंथोफिल्स का कलर येलो है और इनके स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन होती है, जबकि जो कैरोटीन्स हैं इनका जो कलर है वो ऑरेंज रेड है और इनके स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती. सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि येलो पिगमेंट्स कौन से हैं या येलो कैरोटीनॉइड्स कौन से हैं तो आंसर वुड बी ज़ैंथोफिल्स, या ऑरेंज रेड एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन से हैं तो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी कैरोटीन्स. ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट द the accessory pigments of the photosynthesis. So once again, accessory pigments उन wavelengths को absorb करेंगे जिनको chlorophyll A कई दफ़ा नहीं भी absorb कर पाता, और ultimately maximal light की को absorb करके maximal wavelengths को absorb करके इन्होंने भी अपनी energy को chlorophyll A को transfer करना है. और आगे further फिर accessory pigments की दो major categories हैं, different kinds के chlorophylls हैं जिनका different absorption और reflection patterns हैं, फिर carotenoids हैं जो कि blue violet को absorb और yellow orange और red को reflect करते हैं. उसमें से भी इनके आगे further दो sub categories हैं, yellow color की xanthophylls हैं जिनके structure में oxygen है और जबकि orange और red कलर के जो वो कैरोटीन्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन नहीं है. येलो कलर होने से मुराद ये है कि ज़ैंथोफिल्स येलो वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करेंगे, जबकि ऑरेंज और रेड कलर होने से मुराद ये है कि जो कैरोटीन्स हैं इन्होंने ऑरेंज और रेड कलर को रिफ्लेक्ट करना है, जबकि ये दोनों ब्लू और वायलेट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे जैसे कि सारे कैरोटीनॉइड्स करते हैं. सो दैट्स अबाउट द एक्सेसरी पिगमेंट्स. अब इस फोटोग्राफ में बेसिकली जो स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल ए का क्लोरोफिल बी का वो दिखाया गया है. सो यू सीन हियर कि इफ़ यू लुक एट दिस फोटोग्राफ तो इसमें आपको ये वाला जो पोर्शन नज़र आ रहा है बेसिकली ये क्या है, दिस इज हेड ऑफ द क्लोरोफिल और ये जो सारे के सारा पोर्शन है दिस इज द टेल. अब जो हेड है, हेड का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटर में मैग्नीशियम है एंड दिस मैग्नीशियम इज सराउंडेड बाई द टेट्रापायरोल रिंग, जबकि जो टेल है यू कैन सीन हियर कि ये हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है. अब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप का है. यू सीन हियर क्लोरोफिल ए में मेथल ग्रुप प्रेजेंट है जबकि क्लोरोफिल बी में वो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है. सो जो क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला है मॉलिकुलर फॉर्मूला C55H72O5N4Mg, जबकि क्लोरोफिल बी का जो फॉर्मूला है C55H70O6N4Mg. तो देखिए इसमें जो डिफरेंस आया है वो हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन में आया है कि क्लोरोफिल बी के अंदर दो लेस हाइड्रोजन है और वन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इंस्टेड ऑफ द मेथिल ग्रुप। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं इन दोनों के, इनको मेमोराइज करना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्लोरोफिल ए या बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो वो डिफरेंट वेज में आपको ये फॉर्मूलाज प्रेजेंट कर सकता है। सो यू नीड टू क्लियरली मेमोराइज दीज टू फॉर्मूलाज। और इसके अलावा अब ये भी गौर करें कि एग्जाम आपसे फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी पूछ सकता है कि मेथिल ग्रुप जो है वो किस क्लोरोफिल में प्रेजेंट है, तो आंसर वुड बी क्लोरोफिल ए, और एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो किस में प्रेजेंट है, तो आंसर वुड बी क्लोरोफिल बी। अब यहां पर एक बात और भी गौर करने लायक है कि जो क्लोरोफिल के हेड का स्ट्रक्चर है वो कंपेरेबल है विद द स्ट्रक्चर ऑफ हीम ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। सो यू सीन हियर से हमारे पास ये रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के अंदर से ये हीमोग्लोबिन निकली है, और इस हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएटेड जो है वो बेसिकली हीम पार्टिकल्स हैं। इफ यू लुक एट अ हीम पार्टिकल, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी सेंटर में एक बायवेलेंट आयन है, जैसे कि क्लोरोफिल के हेड के सेंटर में बायवेलेंट आयन था, लेकिन क्लोरोफिल के हेड में मैग्नीशियम था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, आयरन है, एंड दिस बायवेलेंट आयन इज सराउंडेड बाय द टेट्रापायरोल रिंग, राइट। सो डिफरेंस क्या है हीम के स्ट्रक्चर में और क्लोरोफिल के हेड के स्ट्रक्चर में, कि क्लोरोफिल का हेड जो है इसमें मैग्नीशियम है सराउंडेड बाय टेट्रापायरोल रिंग, जबकि हीम जो है हीमोग्लोबिन का जो हीम है इसमें आयरन इज सराउंडेड बाय द टेट्रापायरोल रिंग। इसके अलावा जो साइटोक्रोम्स होते हैं, लाइक साइटोक्रोम्स जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रोल प्ले करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन द माइटोकॉन्ड्रिया, उनका भी जो स्ट्रक्चर है वो भी हीम के स्ट्रक्चर के साथ कंपेरेबल ही होता है, उनमें भी सेंट्रल आयरन होता है विच इज सराउंडेड बाय द टेट्रापायरोल रिंग। सो बहरहाल ये जस्ट कुछ कोरिलेशन से स्ट्रक्चर्स के स्टूडेंट्स इनको कंफ्यूज कर जाते हैं, लाइक इनमें बेसिक आइडिया जो है वो स्ट्रक्चर का सेम है, क्लोरोफिल में, हीम में और साइटोक्रोम्स में। अब क्लोरोफिल ए और बी के डिफरेंस को हम इस टेबल की मदद से सम अप करते हैं। एक तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्लोरोफिल ए का, बेसिकली ये C55H72O5N4Mg है, और क्लोरोफिल बी का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है C55H70O6N4Mg है। आई वांट यू टू मेमोराइज दीज फॉर्मूलाज। अब जो क्लोरोफिल ए का कलर है वो ब्लू ग्रीन है, जबकि क्लोरोफिल बी का जो कलर है वो येलो है, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्लोरोफिल ए ये प्राइमरी पिगमेंट है, जबकि क्लोरोफिल बी ये एक्सेसरी पिगमेंट है। उसके बाद फिर क्लोरोफिल ए के अंदर मेथिल ग्रुप है अटैच टू द थर्ड कार्बन, जबकि क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप है अटैच टू द थर्ड कार्बन। और जो क्लोरोफिल ए है दिस इज सॉल्युबल इन द पेट्रोलियम ईथर, जबकि क्लोरोफिल बी जो है ये मेथिल अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल है। ऑलराइट, सो ये क्लोरोफिल ए और बी के मेजर डिफरेंसेस हैं। सो एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्लोरोफिल ए डिफर्स फ्रॉम क्लोरोफिल बी इन हैविंग और लैकिंग विच फीचर, राइट। सो या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट रिगार्डिंग क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। सो इस कंपैरिजन टेबल की मदद से इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली आंसर कर सकते हैं। नाउ आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू, इन अ फोटोसिस्टम क्लोरोफिल ए इज पार्ट ऑफ, ए ऑप्शन इज एंटीना कॉम्प्लेक्स, बी ऑप्शन इज लाइट गैदरिंग पार्ट, सी ऑप्शन इज रिएक्शन सेंटर, डी ऑप्शन इज एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। इस क्वेश्चन की रीजनिंग को हम आगे चल के अभी एक फ्लो शीट में डिस्कस भी करेंगे। सो यू सीन हियर, इफ यू टॉक अबाउट द फोटोसिस्टम, बेसिकली फोटोसिस्टम है क्या, हमने अभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में स्टडी किया है। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेसिकली ये फोटोसिस्टम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो जो फोटोसिस्टम होता है, फोटोसिस्टम के दो मेजर पार्ट्स हैं, यू हैव गॉट द एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड यू हैव गॉट द रिएक्शन सेंटर। अब जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है इसमें क्लोरोफिल ए और एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। इस एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना और रिएक्शन सेंटर को चैनलाइज करना। और उसके बाद फिर जो रिएक्शन सेंटर है, नाम से ही जाहिर है ये वो साइट है जहां पे मेनली रिएक्शन होना है। तो इस बेसिकली रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए खुद ही रिएक्शन सेंटर है, क्योंकि क्लोरोफिल ए पे ही फोटोसिंथेसिस का जो मेन रिएक्शन है वो होना है। और बेसिकली इसका काम क्या है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी कि मे बी सनलाइट को ATP और NADPH2 में कन्वर्ट करना, ये इसका काम है रिएक्शन सेंटर का। इसमें एक पैराडॉक्सिकल फैक्ट है,
जो क्लोरोफिल ए है, आप देख सकते हैं कि क्लोरोफिल ए ये एंटीना कॉम्प्लेक्स का भी पार्ट है और ये रिएक्शन सेंटर भी है। तो बेसिकली एज अ पार्ट ऑफ एंटीना कॉम्प्लेक्स ये बहुत सारे कह लें कि वेवलेंथ्स को ये अब्सॉर्ब भी कर रहा है, राइट, और एज पार्ट ऑफ रिएक्शन सेंटर ये रिएक्शन कैरी आउट कर रहा है। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफिल ए ये एंटीना कॉम्प्लेक्स में है या रिएक्शन सेंटर में है, तो बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, ये इन दोनों में प्रेजेंट है, राइट। सो दिस इज अबाउट द फोटोसिस्टम। अब फोटोसिस्टम के डिफरेंट टाइप्स हैं। फोटोसिस्टम दो तरह के होते हैं, वी हैव गॉट द फोटोसिस्टम वन एंड द फोटोसिस्टम टू। अब जो फोटोसिस्टम वन है इसमें क्लोरोफिल ए होता है जो कि लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है मैक्सिमली किस वेवलेंथ में, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को, राइट। जबकि जो क्लोरोफिल जबकि फोटोसिस्टम जो टू है इसमें भी क्लोरोफिल ए ही है, राइट। सो फोटोसिस्टम वन और टू दोनों में है क्लोरोफिल ए ही, लेकिन जो फोटोसिस्टम टू के साथ एसोसिएटेड क्लोरोफिल है ये मैक्सिमली उस लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है जिसकी वेवलेंथ 680 नैनोमीटर है। सो ये एग्जाम के लिए हाई यील्ड मेमोरी बेस्ड फैक्ट्स हैं कि फोटोसिस्टम जो वन है मैक्सिमली किस वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा, आंसर इज 700 नैनोमीटर, और फोटोसिस्टम टू मैक्सिमली किस वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी 680 नैनोमीटर। सो दीज आर मेमोरी बेस्ड फैक्ट्स, आई वॉन्ट यू टू मेमोराइज दीज फैक्ट्स फॉर सेक ऑफ योर एग्जाम। सो यू सीन हियर, अब इस फोटोग्राफ में फोटोसिस्टम्स ओवरऑल आपको दिखाया गया कि किस तरह से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो फोटोसिस्टम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड हैं, अरेंज्ड हैं। सो अब जस्ट इमेजिन करें दैट यू आर लुकिंग एट अ ट्री। अब एक ट्री है, उस ट्री में यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द ट्री। अब जो ग्रीन पार्ट है, अब उस ग्रीन पार्ट में अब आप सेल्स पे फोकस करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल अब लीफ है तो लीफ के सेल्स के ऊपर फोकस करना शुरू करें। इसके अंदर लीफ के साथ लीफ के स्ट्रक्चर के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं। अब मेसोफिल सेल्स के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। सो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर अल्टीमेटली क्लोरोफिल ने प्रेजेंट होना, राइट। सो यू सीन हियर कि एक प्लांट है, मे बी ओवरऑल एक प्लांट है, उस प्लांट के डिफरेंट सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर क्या है, वी हैव गॉट द क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, उसके बाद फिर बंडल्स ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रेना, राइट। और उसके बाद अगर हम किसी भी एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को लेके उसको एनलार्ज करके अगर हम देखें तो इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो एम्बेडेड होता है वो क्या होता है, दैट इज द फोटोसिस्टम। सो फोटोसिस्टम कहां पे प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम बेसिकली आप कह लें कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो हैं जो कि ग्रेना का पार्ट है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर एम्बेडेड फोटोसिस्टम जो है वो प्रेजेंट है, ऑलराइट। और अल्टीमेटली जो ग्रेना है ये किसके स्ट्रक्चर के अंदर है, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर है, और क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्रेजेंट है इन ऑल दो सेल्स ऑफ द प्लांट विच आर इन्वॉल्व्ड इन द फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, सो अब अगर आप गौर करें फोटोसिस्टम के ऊपर गौर करें तो इस फोटोसिस्टम में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, इसके अंदर एक तो एंटीना कॉम्प्लेक्स है, राइट। सो यू हैव गॉट द एंटीना कॉम्प्लेक्स, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एंटीना कॉम्प्लेक्स है जिसने डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करना है, और से यहाँ पे ये हमारे पास क्लोरोफिल ए है। तो क्लोरोफिल ए ये पार्ट है किसका, एंटीना कॉम्प्लेक्स का भी, और ये रिएक्शन सेंटर भी है। सो अब देखें क्लोरोफिल ए डायरेक्टली भी ओवरऑल वेवलेंथ्स को ट्रैप करेगा या लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, और इसके अलावा बाकी जो पिगमेंट्स हैं ये जिन भी वेवलेंथ्स को ट्रैप करेंगे अल्टीमेटली इनकी जो एनर्जी है वो फ्लो करेगी टू द क्लोरोफिल ए, क्योंकि अल्टीमेटली रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का वहां पे होना है, और क्लोरोफिल ए जो है ये फिर एसोसिएटेड होता है विद द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइट। सो ये जो है ये अरेंजमेंट होती है एक क्लासिक फोटोसिस्टम की। सो एक फोटोसिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, एक फोटोसिस्टम के अंदर एंटीना कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्लोरोफिल ए और एसेसरी पिगमेंट शामिल हैं। सेकेंडली उसमें रिएक्शन सेंटर है जिसमें क्लोरोफिल ए बेसिकली ये रिएक्शन सेंटर है, और रिएक्शन सेंटर के साथ एसोसिएटेड इवन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है इन अ फोटोसिस्टम। सो आई होप दैट यू हैव डेवलप्ड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फोटोसिस्टम। अब आप जरा सोच सकते हैं जब लाइट स्ट्राइक कर रही है बेसिकली प्लांट के ऊपर तो वो एक्चुअली ट्रैप कहाँ पे हो रही है, जो ग्रीन पार्ट्स हैं, ग्रीन पार्ट्स के अंदर जो मेसोफिल सेल्स हैं, और मेसोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना है, और ग्रेना के अंदर जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, और मेम्ब्रेन्स के अंदर जो एम्बेडेड फोटोसिस्टम्स हैं, और फोटोसिस्टम्स के अंदर जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली वो वेवलेंथ वहां पे स्ट्राइक कर रही है, लाइट वहां पे स्ट्राइक कर रही है, और वहां से वो अब्सॉर्ब हो रही है, और वहां से वो ट्रैप होकर अल्टीमेटली कह लें कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज हो रही है, राइट। सो दिस इज अबाउट द फोटोसिस्टम्स।
सो ये एक और फोटोग्राफ है फोटो सिस्टम की, इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन सेंटर है, लाइक वी हैव गॉट द रिएक्शन सेंटर राइट, और इसमें ये क्लोरोफिल ए है और इसके अलावा एसेसरी पिगमेंट्स भी हैं और फिर यू कैन सीन हियर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है। और इस फोटोग्राफ में ये दिखाया गया है कि लीव्स जो है हमें ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं, तो अब देखेंगे व्हाइट लाइट के अंदर सारे कलर्स होते हैं, लाइक यू कैन सी द ब्लू इज देयर, ग्रीन इज देयर एंड रेड इज देयर, तो जो ब्लू है और रेड है ये तो अब्सॉर्ब हो रही है राइट, जबकि जो ग्रीन लाइट है ये जो ओवरऑल लीव्स हैं उनमें चूंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, वो ग्रीन लाइट को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो ग्रीन लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, इसीलिए हमें जो लीव्स हैं वो ग्रीन दिखाई देते हैं, क्योंकि ब्लू और रेड वेवलेंथ अब्सॉर्ब हो गई और ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, इसलिए प्लांट लीव्स का जो कलर है हमें वो ग्रीन दिखाई देता है। अगर ऐसा होता कि ग्रीन की बजाय रेड या ब्लू वेवलेंथ जो है वो रिफ्लेक्ट होती और ग्रीन अब्सॉर्ब हो जाती तो फिर लीव्स का कलर भी रेड या ब्लू हो सकता था राइट, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जो हमारा मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए वो ग्रीन वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है राइट, सो ये एक रीजन है कि प्लांट लीव्स जो है वो आपको ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं, हमने इसको डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रीरेक्विजिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस और अब हम डिस्कस करने लगे हैं द रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिटेल। सो हियर वी हैव गॉट अ क्वेश्चन, इन फोटोसिंथेसिस वाटर इज एक्चुअली यूज्ड ड्यूरिंग, ए ऑप्शन इज लाइट रिएक्शन, बी ऑप्शन इज केमियोस्मोसिस, सी ऑप्शन इज केल्विन साइकिल, डी ऑप्शन इज डार्क रिएक्शन एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज लाइट रिएक्शन अल्फा। Another question, which of the following is not involved in cyclic pathway of light reaction? A option is cytochrome complex, B option is photosystem 2, C option is ferredoxin, D option is primary electron acceptor and the best response to this question is beta, that is photosystem 2, जो कि cyclic pathway of light reaction में involved नहीं है। Another question, which of the following is considered as water splitting photosystem, photosystem 1, photosystem 2, P680 or P700, so best response to this question is photosystem 2, ये basically water splitting photosystem है, इस question की भी reasoning को हम आगे चल के discuss करते हैं। Another question, in Z scheme, plastocyanin transfer its electrons to plastoquinone or ferredoxin or photosystem 1 or photosystem 2 and the best response to this question is photosystem 1. अभी जब हम Z scheme को डिटेल से डिस्कस करेंगे सो वहां पे इस क्वेश्चन की रीजनिंग को भी डिस्कस करेंगे। Another question, in case of non-cyclic photophosphorylation, primary acceptor associated with photosystem 1 transfers its electrons to A option is NADP reductase, B option is cytochrome complex, C option is photosystem 1 and D option is ferredoxin and the best response to this question is ferredoxin। Another question, in case of cyclic photophosphorylation, primary electron acceptor transfers its electrons to, पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था इसमें इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन डिस्कस किया था और अब हम डिस्कस कर रहे हैं इन केस ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ट्रांसफर्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू एंड वी हैव गॉट ऑप्शंस, ए ऑप्शन इज एनएडीपी रिडक्टेज, बी ऑप्शन इज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, सी ऑप्शन इज फोटोसिस्टम 1 एंड डी ऑप्शन इज फेरेडॉक्सिन, सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इवन दैट इज फेरेडॉक्सिन, मे बी दिस वुड साउंड लाइक पैराडॉक्सिकल टू यू, रॉन्ग टू यू, लेकिन इस क्वेश्चन की रीजनिंग को भी आगे चल के हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। Another question, during cyclic or non-cyclic pathway of light reaction, energy is produced due to electrons moving through electron transport chain. This energy is used to pump protons from thylakoid space to stroma, stroma to thylakoid space or thylakoid space to cytoplasm or cytoplasm to chloroplast. And the best response to this question is stroma to thylakoid space. Okay, basically, the non-cyclic pathway mein ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से थैलाकोइड स्पेस में पंप करने के लिए यूज होती है, बेस्ट रिस्पॉन्स इज बीटा। और इस क्वेश्चन की रीजनिंग को भी अभी हम जब फॉर केमियोस्मोसिस का टॉपिक डिस्कस करेंगे उसको डिटेल से देखेंगे। सो दिस इज द बिग पिक्चर ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस फोटोग्राफ। सो बेसिकली अब जस्ट इमेजिन करें कि सेल के अंदर ये एक ऑर्गेनेली है, लाइक ये क्लोरोप्लास्ट है, सो मे बी प्लांट के मेसोफिल, प्लांट लीफ के मेसोफिल सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है राइट, इस यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इनर मेम्ब्रेन है, हियर यू हैव गॉट
द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, अनदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और ये पूरे का पूरा जो पाइल है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का कलेक्टिवली इज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रैनम। सो ये हमारे पास आ गया है एक ग्रैनम, और ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन हैं इनके ऊपर एम्बेडिड बेसिकली क्या है, इनके ऊपर एम्बेडिड फोटो सिस्टम है। ऑलराइट, सो इसमें और उसके बाद फिर यू सीन हेयर कि उसके बाद फिर इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, वी हैव गॉट दिस फ्लूइड जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा। राइट, सो अब इसमें जो ग्रेना है इन द क्लोरोप्लास्ट, बेसिकली ये वो साइट है जहां पे लाइट रिएक्शन होना है, जबकि जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का ये वो साइट है जहां पे डार्क रिएक्शन होना है। सो अब ये कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है इसके दो मेजर रिएक्शंस हैं, एक लाइट रिएक्शन है और दूसरा डार्क रिएक्शन है। राइट, सो जो लाइट रिएक्शन है इसने होना है ग्रेना पे, और डार्क रिएक्शन ने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होना है, दैट इज द मेजर साइट। सो जो साइट्स हैं इन रिएक्शंस की, दे आर क्रिटिकल इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, सेवरल टाइम्स पहले इनको टेस्ट भी किया जा चुका है। सो यू सीन हियर कि बेसिकली अब हम अगर लाइट रिएक्शन को देखें तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में वाटर यूटिलाइज हो रहा है, लाइट एनर्जी ट्रैप हो रही है, और इस रिएक्शन में बेसिकली ATP और NADPH प्रोड्यूस हो रहे हैं, साथ ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है। सो इस बिग पिक्चर से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अराइज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर किस रिएक्शन में यूज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, आंसर इज लाइट रिएक्शन। उसके बाद फिर लाइट रिएक्शन किस जगह पे होता है, आंसर इज ग्रेना। और उसके बाद फिर ऑक्सीजन किस रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, आंसर इज अगेन लाइट रिएक्शन। राइट, और अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लाइट रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट्स आपको कौन सी मिलती हैं, तो यू सीन हियर ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं। राइट, और अब ये भी देख सकते हैं कि बेसिकली जो लाइट रिएक्शन है ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इन टू द केमिकल एनर्जी। देखेंगे जो सनलाइट की जो एनर्जी है इसको इसने कन्वर्ट कर दिया है ATP और NADPH में, और ये दोनों केमिकल एनर्जी की फॉर्म्स हैं। ऑलराइट, अब जो ATP और NADPH है बेसिकली इन दोनों की इनपुट के साथ स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन कैरी आउट होगा, और डार्क रिएक्शन में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ने यूज होना है, और डार्क रिएक्शन ही वो रिएक्शन है जिसमें अल्टीमेटली आप कह लें कि ग्लूकोज ने बनना है, और उसके बाद फिर ग्लूकोज से आगे फर्दर दूसरी प्रोडक्ट्स जैसे कि अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स वगैरह ने बनना है। राइट, सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस रिएक्शन में कंज्यूम होती है, सो आंसर इज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन किस जगह पे होता है, आंसर इज स्ट्रोमा। और ग्लूकोज किस रिएक्शन में बनता है, आंसर इज डार्क रिएक्शन में। सो अब देखें कि ये जो, और इसके डार्क रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए जो एनर्जी है, अब देखेंगे ये लाइट रिएक्शन से आ रही है। राइट, सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और डार्क रिएक्शन जो है ये केमिकल एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सो यू कैन से कि डार्क रिएक्शन इट्स कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी इनटू द फूड एनर्जी। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आप जरा ये समझ लें कि जो डार्क रिएक्शन है ये डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन पे। राइट, इट्स डिपेंडेंट ऑन द लाइट रिएक्शन। इफ देयर वुड बी नो लाइट रिएक्शन देयर वुड बी नो डार्क रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी इनपुट है डार्क रिएक्शन की वो कहां से आ रही है, वो लाइट रिएक्शन से आ रही है। इफ देयर वुड बी नो एनर्जी राइट सो एज टू ड्राइव दिस डार्क रिएक्शन देयर वुड बी नो रिएक्शन। राइट, सो डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल का नाम भी दे देते हैं। एनीवेज, सो ये तो थी बिग पिक्चर। ओवरऑल जूम आउट करके मैंने बिग पिक्चर से आपको ओवरऑल कह लें कि फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट दिया है, और इसमें से जो ओवरऑल ग्रॉस क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में आपको बताया है। अभी हम इन रिएक्शंस की निटी ग्रिटी में जाएंगे, इनको बहुत डेप्थ में डिस्कस करेंगे, और बहुत फाइन क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं हम उनके साथ रिलेट करके चीजों को स्टडी करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस। अब फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शंस हैं इनको हमने ऑन द बेसिस ऑफ वेदर लाइट इज रिक्वायर्ड और नॉट दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अगर तो रिएक्शंस के लिए लाइट रिक्वायर्ड हो हम कहते हैं ये है लाइट रिएक्शन, अगर लाइट रिक्वायर्ड ना हो हम कहते हैं ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज द डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन। अब देखें यहां पे कीवर्ड क्या है, रिक्वायर्ड, यहां पे वर्ड प्रेजेंट नहीं है, वर्ड प्रेजेंट नहीं है, रिक्वायर्ड है। सो लाइट रिएक्शन क्यों लाइट रिएक्शन है, क्योंकि इनके लिए, इनको ड्राइव करने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट है। और डार्क रिएक्शन क्यों डार्क रिएक्शन है, क्योंकि इसको ड्राइव करने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट, अब यहां पे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट डू यू थिंक, जो लाइट रिएक्शन है मैक्सिमल पेस पे ये कब कैरी आउट हो रहा होगा,
early in the morning, in the noon, in the afternoon, or evening time pe. And the best response to this question is maximal pace pe light reaction tab ho raha hoga jab basically keh le ke dopahar ka time hai, jab noon hai, jab sunlight ki intensity sabse zyada hai, right? Us vagat maximal pace pe light reaction ho raha hoga. Now what if I ask the question from you regarding the dark reaction? Ke dark reaction maximal pace pe kis vagat ho raha hoga? In the morning, in the noon, afternoon, evening or night. तो नाम इसका है डार्क रिएक्शन. तो इससे लगता यह है कि अगर डार्क रिएक्शन है तो ये डार्क में ज्यादा स्पीड से हो रहा होगा. लेकिन अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि डार्क रिएक्शन के लिए भी जो एनर्जी इनपुट आनी है वो लाइट रिएक्शन से आनी है. तो इवन डार्क रिएक्शन भी मैक्सिमल पेस पे उसी वक्त हो रहा होगा जिस वक्त लाइट रिएक्शन हो रहा होगा. तो ये पैराडॉक्सिकल फैक्ट है कि डार्क रिएक्शन भी मैक्सिमल पेस पे नून यानी कि दोपहर के टाइम पे ही कैरी आउट हो रहा होगा. सो लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जबकि डार्क रिएक्शन के कई सारे नेम्स हैं. आई वांट टू डू मेमोराइज ऑल दीज नेम्स क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस में या स्टेटमेंट में कोई भी नेम अपीयर हो सकता है. सो इसलिए मेरी कोशिश होती है अगर अल्टरनेटिव नेम्स हैं किसी भी टर्मिनोलॉजी के मैं वो भी आपको सारे के सारे देने की कोशिश करता हूँ. सो डार्क रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, हम इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं, कार्बन फिक्सेशन या C3 फिक्सेशन भी कहते हैं. दे ऑल एक्चुअली मीन द सेम. अब देखें कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है या जो लाइट रिएक्शन है, बेसिकली लाइट रिएक्शन इसका काम क्या, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम सोलर पावर दैट इज फोटॉन्स इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH. यानी कि इसमें आप सिंपली ये कह लें कि लाइट रिएक्शन ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि लाइट एनर्जी को सनलाइट एनर्जी को ATP और NADPH में कन्वर्ट करता है. और बेसिकली लाइट रिएक्शन होता कहाँ पे है, ये होगा थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स पे जो कि अल्टीमेटली ग्रेना बना रही हैं. और लाइट रिएक्शन इसके दो पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं. सो दो तरीके से लाइट रिएक्शन कैरी आउट किया जा सकता है, एक हमारे पास साइक्लिक पाथवे है और दूसरा नॉन साइक्लिक पाथवे है. इन दोनों पाथवेज को हम आगे चल के अभी डिटेल से डिस्कस भी करते हैं. अब इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें डार्क रिएक्शन को, तो डार्क रिएक्शन इट यूजेस एनर्जी जो कि लाइट रिएक्शन से आई है, केमिकल एनर्जी ATP एंड NADPH फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू मेक शुगर. सो सिंपली डार्क रिएक्शन में क्या होना है कि जो केमिकल एनर्जी है दैट इज ATP एंड NADPH, इन केमिकल एनर्जी से को कन्वर्ट किया जाएगा इन टू द फूड एनर्जी दैट इज शुगर मे बी ग्लूकोज, राइट? सो सिंपली आप कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और इसके नतीजे में लाइट एनर्जी ने कन्वर्ट होना है इनटू केमिकल एनर्जी. डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इसके नतीजे में केमिकल एनर्जी ने कन्वर्ट होना है इनटू द फूड एनर्जी. और जो केमिकल एनर्जी है बेसिकली जो डार्क रिएक्शन में कंज्यूम हो रही है दैट्स आल्सो कमिंग फ्रॉम द लाइट रिएक्शन. सो डार्क रिएक्शन ये लाइट रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर इट्स एनर्जी नीड्स. और जो मेजर साइट है डार्क रिएक्शन की दैट इज स्ट्रोमा. सो दिस इज वेरी वेरी हाई यील्ड फैक्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम. सो एग्जाम आपसे ओवरऑल इन रिएक्शंस की लोकेशंस के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइक के लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है. तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स. इफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स इज नॉट ऑन द लिस्ट मे बी फिर आप ग्रेना को पिक कर सकते हैं. तो इसी तरह से जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा के अंदर कैरी आउट हो रहा है. सो लोकेशंस दे आर प्रेटी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, फॉर द एंट्रेंस एग्जाम स्पेसिफिकली. डियर स्टूडेंट, अब हम इस सिंपल मॉडल की मदद से जो लाइट रिएक्शन के डिफरेंट पाथवेज हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पाथवे, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. सो लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस फोटोग्राफ. अब जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास ये एक पोल है. सो हेयर यू हैव गॉट अ पोल और इस पोल की टॉप पे ये एक लड़का खड़ा हुआ है और ये बॉटम पे भी एक लड़का खड़ा है. इसके हाथ में बॉल है और ये लड़का इस बॉल को ऊपर की तरफ उछालता है और ये जो लड़का इस बॉल को कैच करता है. और आपको पता है कि जब इसने बॉल को ऊपर की तरफ उछाला तो इसके अंदर बेसिकली एनर्जी स्टोर हो गई विच इज़ एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी. उसके बाद फिर ये जो लड़का है ये जब इस बॉल को फ्लो कराएगा अलोंग दिस इंक्लाइंड प्लेन, तो यहाँ पे इसके साथ एसोसिएटेड जो है वो ये टर्बाइन है, ये एसोसिएटेड टर्बाइन है. तो बेसिकली अब इस बॉल की वजह से ये टर्बाइन जो है इसने रोटेट होना है, जिसकी वजह से आप कह लें कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. और उसके बाद फिर ये जो बॉल है ये इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग ये नीचे आ गई है. अब इसको इस लड़के ने उठाया है इस बॉल को और उसके बाद फिर अब ये दोबारा फिर इसको
ऊपर की तरफ उछालता है, ये दूसरा लड़का इस बॉल को कैच करता है और कैच करके इस पोल के साथ, जो कि एक और सेकंड पोल के खड़ा हुआ है, सो ये दिस इज द सेकंड पोल हेयर, तो इस पोल के साथ जो ये एक बकेट एसोसिएटेड है, ये इस बॉल को इस बकेट के अंदर डंप कर देता है, राइट। सो इसमें आपने देखा कि किस तरह से ओवरऑल जो बॉल है, अब पहले एक लड़के ने वो एक खंभे पे खड़े लड़के को पकड़ाई, और जिसने उसने जब बॉल को इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग फ्लो कराया उससे एनर्जी प्रोड्यूस हुई, फिर एक और लड़के ने क्या किया, बॉल को उठा के जब अपवर्ड्स उछाला तो दूसरे लड़के ने उसको पकड़ के इसके अंदर डंप कर दिया। अब आप जस्ट अज्यूम करें कि ये जो लड़का है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, दिस इज रिप्रेजेंटिंग फोटॉन्स, ये फोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो बॉल है बेसिकली ये क्लोरोफिल के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि जो ये लड़का है जो पोल की टॉप पे खड़ा है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बेसिकली ये जो पोल वन है, यू कैन से कि ये फोटोसिस्टम टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद फिर ओवरऑल आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो ओवरऑल ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रिप्रेजेंट कर रही है, और बेसिकली ये जो टर्बाइन है ये एनर्जी या एटीपी जनरेटिंग सिस्टम को ये रिप्रेजेंट कर रही है, और उसके बाद फिर जो ओवरऑल आप कह लें कि जो ये वाला लड़का है ये भी अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, और ये जो सेकंड पोल है बेसिकली ये फोटोसिस्टम वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो बकेट है बेसिकली ये एनएडीपी को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑलराइट, अब आप देखें कि ओवरऑल जब लाइट स्ट्राइक करेगी फोटोसिस्टम टू के ऊपर, इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, एक्साइट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इसके वो एनर्जी गेन करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स या वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होगा जिसको वाटर की फोटोलाइसिस के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे वो उस होल को आगे फिल करेंगे, जबकि वाटर से अल्टीमेटली जो प्रोटॉन्स आए हैं, राइट, और उसके बाद फिर जो ऑक्सीजन आई है, राइट, जो हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आप कहने के आया है, सो ये अल्टीमेटली ये वाटर की फोटोलाइसिस के नतीजे में ये कंपोनेंट्स यहाँ ये जनरेट हो गए हैं, और ये जो हाइड्रोजन है, ये जो प्रोटॉन्स हैं बेसिकली बाद में यही प्रोटॉन्स एनएडीपी को रिड्यूस करने में यूज़ होंगे, और ये जो ऑक्सीजन है इसने एनवायरमेंट में रिलीज होना है। ऑलराइट, अब देखें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने जाना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अलोंग, और जब हाई से लो एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वो एनर्जी को रिलीज करेंगे, उसी एनर्जी को यूज करते हुए एटीपी जनरेटिंग सिस्टम ने एटीपी जनरेट कर देनी है। उसके बाद फिर अब देखें कि अब वही इलेक्ट्रॉन्स अब दूसरे फोटोसिस्टम के पास जब गए, अब दोबारा यहाँ पे फोटॉन्स जो वो स्ट्राइक किए, राइट, दोबारा फोटॉन्स स्ट्राइक किए, ये भी फोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है लड़का, इससे इलेक्ट्रॉन्स दोबारा एक्साइटेड हुए और उनको इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उसको एक्सेप्ट किया, राइट, और उसने फिर क्या किया, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनएडीपी को दे दिए, सो एनएडीपी के साथ जब दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे प्लस जब ये जो प्रोटॉन्स जनरेट हुए थे प्लस इसके पास वो वाले जो प्रोटॉन्स हैं ये भी आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली यू विल एंड अप हैविंग द NADPH2। और देखें कि बेसिकली सो ये जो नॉन साइक्लिक पाथवे है इसके नतीजे में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, एक हमारे पास ATP आई है, एंड सेकेंडली हमारे पास NADPH2 आया है, और यही दो मेजर प्रोडक्ट्स हैं किसकी, यही दो मेजर प्रोडक्ट्स हैं इसकी, लाइक जी स्कीम की या फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के नॉन साइक्लिक पाथवे की, राइट, तो ATP एंड द NADPH2, और इसके अलावा साथ ऑक्सीजन भी आती है। अब थ्रू द सेम टोकन हम थोड़ी सी बात करते हैं इसकी साइक्लिक पाथवे की भी। अब जस्ट इमेजिन करें कि ये जो फोटोसिस्टम वन है इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये अपनी बॉल को इस बकेट में डालने की बजाय ये दोबारा नीचे की तरफ फेंक देता है, राइट, और उसके बाद फिर ये लड़का दोबारा इसको ऊपर की तरफ फेंकता है, और यहाँ पे दरमियान में आप कह लें कि जो एनर्जी जनरेटिंग मिल लगी हुई है, तो बेसिकली एक साइक्लिक फैशन में इसका मतलब है कि एनर्जी इससे जनरेट की जा सकती है। सेम आइडिया साइक्लिक पाथवे के केस में भी है, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, अब सीन हियर जब फोटॉन स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे, और वहां से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लॉन्ग
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लॉन्ग जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे, उस एनर्जी को यूज़ करते हुए अल्टीमेटली एटीपी प्रोड्यूस कर दी जाएगी और उसके बाद फिर दोबारा फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको दोबारा फोटॉन्स की मदद से एक्साइटेड कर दिया जाएगा। इस तरह से साइक्लिक पाथवे में, साइक्लिक फैशन में आप कह लें कि एटीपी जो वो जनरेट हो रही है, राइट। सो ये एक ओवरव्यू था, एक ग्राफिकल फोटोग्राफ की मदद से मैंने आपको नॉन साइक्लिक और साइक्लिक पाथवेज टीच किए हैं। अब हम एक स्पेसिफिक फोटोग्राफ से भी जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पाथवेज हैं उनको डिस्कस करते हैं। वेल, दिस फोटोग्राफ इज समराइजिंग द साइक्लिक एंड द नॉन साइक्लिक पाथवेज, राइट। सो इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव गॉट द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड राइट हैंड साइड पे वी हैव गॉट द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब हम इनको जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो यू सीन हियर, यहाँ पे हमारे पास है फोटोसिस्टम 2। सो दिस इज द फोटोसिस्टम 2 विच इज हैविंग द पीकर अब्सॉर्प्शन ऑफ 680 नैनोमीटर। और ये फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड ही हमारे पास ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, राइट। और उसके बाद फिर हियर वी हैव गॉट द फोटोसिस्टम 1, राइट, विच इज हैविंग द पीकर अब्सॉर्प्शन ऑफ 700 नैनोमीटर और इसके साथ भी एसोसिएटेड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि फोटोसिस्टम 2 के साथ अल्टीमेटली एसोसिएटेड आगे जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट सबसे पहले प्लास्टोक्विनोन्स हैं, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, फिर प्लास्टोसियानिन है। ऑलराइट, अब इसमें देखें कि ओवरऑल जब फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे क्लोरोफिल के ऊपर, फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे क्लोरोफिल के ऊपर, याद रखिएगा ये फोटोसिस्टम की बात हो रही है। सो बेसिकली फोटोसिस्टम्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, दे आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकोइड, इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकोइड। सो जब फोटॉन्स इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं इससे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए हैं इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से कह लेंगे अल्टीमेटली फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी और जिसके नतीजे में हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा जो कि एनवायरनमेंट में चला जाएगा, दो प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे जो कि बाद में चल के एनएडीपी को रिड्यूस करेंगे, और इसके अलावा दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए थे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ था क्लोरोफिल में अल्टीमेटली उसको वो जाके फिल करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जब ये इनके ऊपर फोटॉन्स स्ट्राइक किए ये हाई एनर्जी स्टेट में गए, इनको एक्सेप्ट किया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने अल्टीमेटली इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा दिया अलॉन्ग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स गए प्लास्टोक्विनोन्स पे, उसके बाद फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे, और लास्ट में फिर प्लास्टोसियानिन पे गए। और उसके बाद फिर सीन है ये जो ओवरऑल प्लास्टोसियानिन से फिर जो यही इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फोटोसिस्टम 1 के पास चले गए, वहाँ पे दोबारा फिर इनके ऊपर फोटॉन्स जो हैं वो स्ट्राइक किए और दोबारा फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए और अल्टीमेटली प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इनको एक्सेप्ट किया और उन्होंने फिर ये इलेक्ट्रॉन्स दे दिए किसको, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ये इलेक्ट्रॉन दे दिए फेरेडॉक्सिन को, और फेरेडॉक्सिन ने ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दे दिए एनएडीपी रिडक्टेज को, जिसने एनएडीपी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करके अल्टीमेटली NADPH2 जनरेट करवा दिया। सो ये है बेसिकली नॉन साइक्लिक पाथवे। अब इसके अंदर इसमें से आपसे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर स्प्लिटिंग फोटोसिस्टम कौन सा है, तो यू सीन हियर फोटोसिस्टम 2 वाटर स्प्लिटिंग फोटोसिस्टम है। फिर NADPH प्रोड्यूसिंग फोटोसिस्टम कौन सा है, तो जो फोटोसिस्टम 1 है ये NADPH प्रोड्यूसिंग फोटोसिस्टम है। फिर फोटोसिस्टम 2 की पीकर अब्सॉर्प्शन कितनी है, 680, फोटोसिस्टम 1 की कितनी है, 700। उसके बाद फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है वो किस फोटोसिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, तो आप देख सकते हैं फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड है, राइट। और इसी तरह से एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है जो कि फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, प्लास्टोक्विनोन्स को, प्लास्टोक्विनोन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देने हैं, प्लास्टोसियानिन को, और प्लास्टोसियानिन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देने हैं, अल्टीमेट इसने फिर फोटोसिस्टम 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, एंड सो ऑन। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का जो सीक्वेंस है ये एग्जाम के लिए प्रेटी इंपॉर्टेंट है, आपने सीक्वेंस को मेमोराइज करना है। सो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 2 से प्लास्टोक्विनोन तक, वहां से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, वहां से प्लास्टोसियानिन, वहां से फिर ओवरऑल फोटोसिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और अल्टीमेटली फिर ये जाएंगे टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द फोटोसिस्टम
वन, जहां से फिर इलेक्ट्रॉन जाना है किसके पास, फेरेडॉक्सिन के पास, और फेरेडॉक्सिन से अल्टीमेटली जाना है एनएडीपी रिडक्टेज के पास, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स का जो एग्जैक्ट फ्लो है कि किस एंटिटी से इलेक्ट्रॉन्स आगे फर्दर किस एंटिटी के पास जा रहे हैं, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स के ऊपर क्वेश्चनिंग हो सकती है कि क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होती हैं। तो इसमें आप देखें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जब इलेक्ट्रॉन्स हाई से लो एनर्जी तक फ्लो कर रहे होते हैं, इसमें देखें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्लास्टोकिनोन्स हाईएस्ट एनर्जी पे हैं, प्लास्टोसायनोन्स जो वो लोएस्ट एनर्जी पे हैं। जब ये हाई से लो एनर्जी की तरफ फ्लो कर रहे होते हैं तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं, इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए अल्टीमेटली एटीपी जनरेट कर दी जाती है वाया द प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं, कीमियोस्मोसिस। सो इसकी प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या हमारे पास आया, एक हमारे पास एटीपी आई एंड सेकेंडली वी गॉट द NADPH, राइट। सो एटीपी और NADPH और इसके अलावा जो ऑक्सीजन है, सो ये मेजर प्रोडक्ट्स हैं किसकी, नॉन साइक्लिक पाथवे ऑफ द लाइट रिएक्शन की, ऑलराइट। और इसके बरक्स अगर आप साइक्लिक पाथवे को देखें तो साइक्लिक पाथवे में क्या हो रहा है, बेसिकली साइक्लिक पाथवे में ये हो रहा है कि जब लाइट स्ट्राइक करती है क्लोरोफिल पे, राइट, तो फोटोसिस्टम पे, तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, क्लोरोफिल पे जब लाइट स्ट्राइक की तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए, वहां से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लॉन्ग फ्लो किए जिसमें अगेन वी हैव गॉट द फेरेडॉक्सिन, देन द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, देन द प्लास्टोसायनिन, और वहां से दोबारा फिर वो वापस आ गए किसके पास, वो क्लोरोफिल के पास आ गए, मे बी क्लोरोफिल ए के पास आ गए और जो कि रिएक्शन सेंटर है, और दोबारा फिर वो एक्साइटेड हो सकते हैं। इस तरह साइक्लिक फैशन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अल्टीमेटली फ्लो करते रहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स हाई से लो एनर्जी की तरफ आएंगे तो दे वुड रिलीज एनर्जी जिसको यूटिलाइज करते हुए एटीपी बना दी जाएगी। सो यू सीन हेयर नॉन साइक्लिक पाथवे इसलिए नॉन साइक्लिक है क्योंकि नॉन साइक्लिक वे में ये रन हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन रीयूज नहीं हो रहे। साइक्लिक पाथवे साइक्लिक बिकॉज इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रीयूज हो रहे हैं इन अ साइक्लिक फैशन। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो नॉन साइक्लिक पाथवे में दो फोटोसिस्टम्स इन्वॉल्व्ड हैं, फोटोसिस्टम टू एंड वन इन द सेम सीक्वेंस, जबकि साइक्लिक पाथवे में जस्ट एक ही फोटोसिस्टम इन्वॉल्व्ड है। इसमें अगर आप गौर करें तो फोटोसिस्टम वन जो है बेसिकली ये नॉन साइक्लिक पाथवे और साइक्लिक पाथवे दोनों में अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है, फेरेडॉक्सिन में। ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था कि नॉन साइक्लिक पाथवे में फोटोसिस्टम वन अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा और साइक्लिक पाथवे में अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फेरेडॉक्सिन के पास आ रहे हैं, राइट। सो ओवरऑल फिर प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो नॉन साइक्लिक पाथवे के नतीजे में हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आई हैं, वी हैव गॉट द एटीपी, द एनएडीपीएच2 एंड ऑक्सीजन, जबकि साइक्लिक पाथवे के नतीजे में वी गॉट जस्ट एटीपी, देर इज नो प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन और द एनएडीपीएच2। सो ये बेसिकली कोरिलेट करके मैंने आपको अब जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पाथवेज हैं इसके लाइट रिएक्शन के वो मैंने बताए हैं। लेकिन अब यहां पे एक बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है कि देर आर टू पाथवेज, तो क्या एट सेम टाइम ये दोनों पाथवेज चल रहे होते हैं या किसी एक आध पाथवे की प्रेफरेंस है या मे बी एक पाथवे रूटीन में हो रहा होता है और दूसरा कभी कभार होता है, राइट। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज कि जो नॉन साइक्लिक पाथवे है, नॉन साइक्लिक पाथवे दिस इज अ रूटीन पाथवे, ये रूटीन पाथवे है। अमूमी तौर पे नॉन साइक्लिक पाथवे से ही लाइट रिएक्शन हो रहा होता है। एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जब साइक्लिक पाथवे ऑन किया जाता है, वो सिचुएशन क्या है, हमने अभी स्टडी क्या किया कि बेसिकली एटीपी और NADPH2 इन दोनों ने इकट्ठे जाना होता है इनटू द डार्क रिएक्शन। अगर एटीपी फर्ज करें कि सेल में कहीं और कंज्यूम हो गई, यू गॉट एक्स्ट्रा NADPH2, राइट, अगर एक्स्ट्रा NADPH2 अब हमारे पास है तो अकेला जो NADPH2 है इट कैन नॉट बी यूटिलाइज इन द डार्क रिएक्शन। सो नेचर हैज टू डिवाइस अ मैकेनिज्म जिससे एटीपी को रीजनरेट करके दोनों के बैलेंस को रीगेन किया जा सके, फिर दोनों को दोबारा डार्क रिएक्शन में स्ट्रेट अवे यूज किया जा सके, राइट। सो बेसिकली अब ये कह सकते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन हो जब कह रहे हैं कि एटीपी जो है एटीपी की कंसंट्रेशन एनएडीपीएच की कंसंट्रेशन से कम हो, एनएडीपीएच की कंसंट्रेशन से कम हो, तो उस वक्त फॉर सेक ऑफ कंपनसेशन, फॉर सेक ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली एटीपी विदाउट प्रोड्यूसिंग एनएडीपीएच2, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है तो इसके जरिए लाइट रिएक्शन को कैरी आउट किया जाता है ताकि दोबारा फिर स्मूथ वे में आगे जो डार्क रिएक्शन है उसको आगे फर्दर कैरी आउट किया जा सके। सो बॉटम लाइन पॉइंट ऑफ माई डिस्कशन इज द नॉन साइक्लिक पाथवे इज अ रूटीन पाथवे एंड साइक्लिक पाथवे इज अ compensatory pathway. So I hope that you have developed a good understanding of the non-cyclic and the cyclic pathways.
तो अब हम इस टेबल की मदद से नॉन साइक्लिक और साइक्लिक पाथवेज के जो हाईएस्ट यील्ड फैक्ट्स हैं इनको सम अप भी करते हैं। हम डिटेल में नॉन साइक्लिक और साइक्लिक पाथवेज को तो स्टडी तो कर चुके हैं, अब हम इनकी इनको सम अप करते हैं। सो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में वी हैव गॉट द फीचर, इन द सेकंड कॉलम वी हैव गॉट द नॉन साइक्लिक पाथवे, इन द थर्ड कॉलम वी हैव गॉट द साइक्लिक पाथवे। अब इलेक्ट्रॉन रीयूज होते हैं या नहीं होते, तो नॉन साइक्लिक पाथवे के केस में हमने क्या स्टडी किया है, रीयूज नहीं होते, और साइक्लिक के केस में दे आर रीयूज, तभी तो नॉन साइक्लिक को हमने नॉन साइक्लिक कहा है और साइक्लिक को हमने साइक्लिक कहा है इलेक्ट्रॉन रीयूज की बेस पे। अब फोटोसिस्टम्स जो है 2 and 1 इन द सेम सीक्वेंस इन्वॉल्व्ड है इन द नॉन साइक्लिक पाथवे, जबकि फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व्ड है इन द साइक्लिक पाथवे। उसके बाद फिर थर्डली रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर दे आर हैविंग पिकअप ऑप्शन ऑफ 680 and 700 इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक, जबकि इट्स हैविंग द पिकअप ऑप्शन ऑफ 700 इन केस ऑफ साइक्लिक पाथवे, जैसे अभी हमने फोटोग्राफ में भी डिस्कस किया था। प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो नॉन साइक्लिक पाथवे के नतीजे में यू आर गेटिंग ATP एंड NADPH2 और इवन साथ जो वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है जिसने एनवायरमेंट में रिलीज होना होता है, जबकि साइक्लिक पाथवे में ना तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है और ना ही NADPH2 की प्रोडक्शन है, ओनली एंड ओनली ATP इज प्रोड्यूस्ड। और उसके बाद अगर आप देखें लेंथ को, तो हमने अभी ये डिस्कस किया और देखा भी है कि नॉन साइक्लिक पाथवे ये एक लॉन्ग पाथवे है, जबकि साइक्लिक पाथवे ये एक शॉर्ट पाथवे है। और अक्रंस के वाले से अगर हम देखें तो जो नॉन साइक्लिक पाथवे है ये एक रूटीन पाथवे है, राइट, रूटीनली जो लाइट रिएक्शन है वो नॉन साइक्लिक पाथवे के जरिए कैरी आउट किया जा रहा होता है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। लेकिन साइक्लिक पाथवे कब कैरी आउट किया जाएगा, जब ATP NADPH से कम हो जाएगा, उस वक्त एज अ कंपनसेशन साइक्लिक पाथवे को ऑन किया जाएगा। जब ATP NADPH का बैलेंस रीगेन होगा, साथ ही दोबारा साइक्लिक पाथवे को शट डाउन कर दिया जाएगा और नॉन साइक्लिक पाथवे से अगेन जो लाइट रिएक्शन है वो कंटिन्यूड रहेगा, एंड सो ऑन। सो दिस इज अबाउट द लाइट रिएक्शन। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं यहां पे स्टेज पे, इन केस ऑफ केमियोस्मोसिस ATP सिंथेज पंप सिंथेसाइज ATP व्हेन प्रोटॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम, ए ऑप्शन इज थैलाकोइड स्पेस टू स्ट्रोमा, बी ऑप्शन इज स्ट्रोमा टू थैलाकोइड स्पेस, सी ऑप्शन इज थैलाकोइड स्पेस टू साइटोप्लाज्म, डी ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म टू क्लोरोप्लास्ट। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज थैलाकोइड स्पेस टू स्ट्रोमा, राइट। सो इस क्वेश्चन को पहले भी मैंने आपसे पूछा था, यहां पे दोबारा आपसे ये क्वेश्चन पूछा है बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द केमियोस्मोसिस, सो यू हैव टू बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट के बेसिकली ATP सिंथेसिस पंप जो है वो ओवरऑल वो ATP सिंथेसिस पंप कब ATP बनाएगा, जब प्रोटॉन्स थैलाकोइड स्पेस से स्ट्रोमा में जाएंगे तब वो ATP बनाएगा। पहले इस क्वेश्चन का मैंने एक डिफरेंट वर्जन पूछा था, राइट, वो एक डिफरेंट वर्जन पूछा था और वो थोड़ा सा इससे उसकी जो फ्रेजिंग थी वो डिफरेंट थी उस क्वेश्चन की। वेल नाउ लेट्स डिस्कस केमियोस्मोसिस। बेसिकली लाइट रिएक्शन के दोनों पाथवेज में, यानी कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक पाथवेज में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी कंपोनेंट्स, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिलीज करते हैं, उस एनर्जी से किस तरह ATP जनरेट की जाती है, बेसिकली दैट्स जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस नेमली केमियोस्मोसिस। सो सादा लफ्जों में केमियोस्मोसिस क्या है, केमियोस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसकी मदद से बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अलॉन्ग जो एनर्जी रिलीज करनी है इलेक्ट्रॉन्स ने, उसको यूज करके ATP बनाई जानी है। लेट मी ओरियंट यू टूवर्ड्स दिस फोटोग्राफ सो एज टू डेवलप योर गुड अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द केमियोस्मोसिस। अब जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास ये से क्लोरोप्लास्ट है और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर मे बी ये हमारे पास एक ग्रेनम है और इस ग्रेनम में मे बी ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। सो इस थैलाकोइड, ये जो थैलाकोइड है इसको बेसिकली एनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया गया आपको, राइट। सो यू सीन हियर, ये हमारे पास ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, ये आपको इसकी मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बायलेयर नजर आ रही है और इसकी मेम्ब्रेन में एम्बेडेड यू हैव गॉट देन दिस फोटोसिस्टम 2 एंड देन दिस फोटोसिस्टम 1 और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, राइट। सो इसमें देखें कि जब लाइट स्ट्राइक करेगी फोटोसिस्टम 2 पे या फोटोसिस्टम 1 पे, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होंगे और बाद में जब वो फ्लो करेंगे अलोंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो जब वो हाई से लो एनर्जी की तरफ फ्लो करेंगे, दे वुड रिलीज एनर्जी और उस एनर्जी को कंज्यूम करते हुए जो स्ट्रोमा है, लाइक हियर वी हैव गॉट द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स जो हैं दे वुड मेक देयर वे इनटू द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड, जिसको हम थैलाकोइड स्पेस भी कह देते हैं। और उसके बाद फिर
अब ये कह लें कि जब ये प्रोटॉन्स जब ये मूव किए हैं फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, तो इन्होंने एनर्जी को कंज्यूम किया है. और यही प्रोटॉन्स जब ये वापस जाएंगे फ्रॉम थैलाकॉइड स्पेस और ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड इनटू द स्ट्रोमा, तो ये एनर्जी को रिलीज करेंगे और उस एनर्जी को कंज्यूम करते हुए एटीपी सिंथेज एंजाइम क्या करेगा, एटीपी जनरेट करवा देगा. सो सिंपली अब ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन्स स्ट्रोमा से थैलाकॉइड स्पेस में आते हैं, और जब थैलाकॉइड स्पेस से बाहर जाते हैं तो उसी एनर्जी को रिलीज करते हैं जिसको कंज्यूम करते हुए एटीपी सिंथेस एटीपी बना देगा. सो ये वो प्रोसेस है कीमियो ऑस्मोसिस का जिससे एटीपी की जनरेशन होती है. सो कीमियो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वेदर ये फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस की ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक पाथवे की, या ये सेलुलर रेस्पिरेशन की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है. दोनों ही तरह की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स में बेसिकली जो एटीपी प्रोडक्शन के लिए मैकेनिज्म है वो कीमियो ऑस्मोसिस ही होता है. अब कीमियो ऑस्मोसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पाथवे ऑफ लाइट रिएक्शन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. दिस एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन्स फ्रॉम ए ऑफ इन थैलाकॉइड स्पेस टू स्ट्रोमा, बी ऑफ इन स्ट्रोमा टू थैलाकॉइड स्पेस, सी ऑफ इन थैलाकॉइड स्पेस टू साइटोप्लाज्म, एंड डी ऑफ इन साइटोप्लाज्म टू क्लोरोप्लास्ट. तो इसमें अब देखें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी रिलीज करेंगे उन्होंने ओवरऑल वो जो एनर्जी है वो यूज़ की जाएगी टू पंप द प्रोटॉन्स फ्रॉम. यहाँ पे पूछा ये गया है कि प्रोटॉन्स की पंपिंग जो है वो किधर से किधर को होगी. तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलाकॉइड स्पेस, जैसे कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं, राइट. के लाइक यू सीन हेयर, बेसिकली इस फोटोग्राफ में भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लॉन्ग जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये एनर्जी प्रोटॉन्स को किधर से किधर पंप करने के लिए यूज हो रही है. यू सीन हेयर स्ट्रोमा से ये इनटू द थैलाकॉइड स्पेस पंप करने के लिए यूज हो रही है. एंड अब नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. इसी क्वेश्चन का ये एक वेरिएबल ही है, इन केस ऑफ कीमियोस्मोसिस एटीपी सिंथेस पंप सिंथेसाइज़ एटीपी व्हेन प्रोटॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम. अब बात आगे कि एटीपी सिंथेस कब एटीपी बनाएगा, सो जब प्रोटॉन्स किधर से किधर जा रहे हैं. ए ऑप्शन इज थैलाकॉइड स्पेस टू स्ट्रोमा, स्ट्रोमा बी ऑप्शन इज स्ट्रोमा टू थैलाकॉइड स्पेस, सी ऑप्शन इज थैलाकॉइड स्पेस टू साइटोप्लाज्म, एंड डी ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म टू क्लोरोप्लास्ट. एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज थैलाकॉइड स्पेस टू स्ट्रोमा. सो सादा सी बात यह है, प्रोटॉन्स जब स्ट्रोमा से थैलाकॉइड स्पेस में आते हैं तो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जब वो थैलाकॉइड स्पेस से वापस स्ट्रोमा में जाते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं और उस एनर्जी को यूज करते हुए एटीपी बनाई जाती है. सो दिस इज कीमियोस्मोसिस. अब डार्क रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. इससे पहले कि हम डार्क रिएक्शन को इन डिटेल डिस्कस करें, आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चंस. सो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग केल्विन साइकिल NADPH इज ऑक्सीडाइज्ड बाय. ए ऑप्शन इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट, बी ऑप्शन इज ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट, सी ऑप्शन इज राइबुलोज बिस फॉस्फेट, एंड डी ऑप्शन इज 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट. एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट. इस क्वेश्चन की रीजनिंग को अभी हम डार्क रिएक्शन को डिस्कस करते हुए देखेंगे. Another question, number of ATPs produced during synthesis of one glucose molecule by Calvin cycle is. A option is 6, B option is 12, C option is 18, and D option is 0. And the best response to this question is 0. Basically, Calvin cycle mein ATP overall produced nahi honi, balki usme to ATPs utilized hoti hain. So best response is delta to this question. Right, so यहाँ पे पूछा गया है ATPs कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, तो जीरो ATPs बेसिकली प्रोड्यूस हो रही हैं. अनदर क्वेश्चन, नंबर ऑफ NADPH यूज्ड ड्यूरिंग केल्विन साइकिल फॉर सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज. अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने NADPH मॉलिक्यूल्स यूज होने हैं. ए ऑप्शन इज 6, बी इज 12, सी ऑप्शन इज 18, डी ऑप्शन इज 0. एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज 12. अभी जब हम समराइज करेंगे केल्विन साइकिल को या डार्क रिएक्शन को, वहां जाके इस फैक्ट को हम रीइंफोर्स भी करेंगे. Another question, number of ATP is used, अब बात हो रही है use की, during reduction phase of Calvin cycle for synthesis of one glucose molecule is. अब reduction phase में एक glucose molecule की synthesis के लिए जो ATP use हो रही है, they are 12. So best response to this question would be beta.
Another statement, enzymes for Calvin cycle are present in. A option is chloroplast, B option is grana, C option is stroma, D option is mesophyll. So, इसमें chloroplast भी एक right answer है, लेकिन stroma हमारे पास इससे भी ज्यादा precise answer है, क्योंकि precisely speaking, chloroplast के stroma में Calvin cycle के enzymes present हैं. So, best response to this question would be Charlie. Now, let's start off our discussion with the Calvin cycle. First of all, I want you to know that Calvin cycle, it occurs in stroma. ये एक high yield fact है कि Calvin cycle, इसकी location क्या है. So in the stroma of chloroplast, actually this reaction takes place. और इस reaction में carbon dioxide ने utilize होना है. और ये एक very very high yield fact है, which I want you to memorize, that to produce one glucose, it takes two turns and uses 18 ATPs and 12 NADPH. राइट सो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए टू टाइम्स केल्विन साइकिल रन होगा और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18 ATPs और 12 NADPH2s कंज्यूम होंगे. राइट सो इसका ये मतलब भी हुआ कि एक टर्न जो होगा राइट फॉर सिंथेसिस ऑफ वन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बेसिकली उसमें 9 ATPs और 6 NADPH2 यूज होंगे. राइट सो यहां पे इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं टू प्रोड्यूस 1 G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि 3 कार्बन शुगर है जबकि ग्लूकोज एक 6 कार्बन शुगर है. इट टेक्स 1 टर्न 9 ATPs एंड 6 NADPH2s. हाँ टू प्रोड्यूस वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इट टेक्स टू टर्न्स 18 ATPs एंड 12 NADPH2s. एग्जाम डिफरेंट वेज से क्वेश्चन को फ्रेज करके कोई भी नंबर आपसे टेस्ट कर सकता है. जैसे अभी प्रीवियस कुछ स्लाइड्स में मैंने आपसे कुछ नंबर्स टेस्ट किए भी हैं. सो आई वांट टू मेमोराइज दिस फैक्ट वेरी केयरफुली. अब केल्विन साइकिल के 3 बेसिक स्टेप्स है राइट फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. 3 बेसिक स्टेप्स हैं, कार्बन फिक्सेशन है, फिर रिडक्शन है और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर की रीजनरेशन है. अब हम इस फोटोग्राफ की मदद से इसको अंडरस्टैंड करते हैं डार्क रिएक्शन को. यू सीन हियर विल स्टार्ट विद द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबुलोज बिसफॉस्फेट. अब बाइफॉस्फेट और बिसफॉस्फेट में फर्क क्या होता है. राइट जो बाइफॉस्फेट है उसमें रैंडमली 2 फॉस्फेट्स अटैच्ड होते हैं. राइट मे बी अगर ये एक मॉलिक्यूल है 1 फॉस्फेट इज अटैच्ड ओवर हियर 1 फॉस्फेट इज अटैच्ड एट वन एंड और समवेयर एल्स. राइट लेकिन जो बिसफॉस्फेट होता है उसमें मॉलिक्यूल के एंड्स पे फॉस्फेट्स अटैच्ड होते हैं. राइट से अगर ये एक मॉलिक्यूल है इसके दोनों एंड्स पे फॉस्फेट्स अटैच्ड होंगे. सो राइबुलोज ये बिसफॉस्फेट आप देख सकते हैं कि इसके एंड्स पे फॉस्फेट्स अटैच्ड हैं और राइबुलोज बिसफॉस्फेट जो है बेसिकली यू कैन सीन हियर 1 2 3 4 एंड 5 ये बेसिकली एक 5 कार्बन कंपाउंड है. राइट सो राइबुलोज बिसफॉस्फेट ये बेसिकली 5 कार्बन कंपाउंड है. सो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबुलोज बिसफॉस्फेट से हम स्टार्ट करते हैं लाइक जिसके अंदर अल्टीमेटली कार्बन कितने होंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 15 कार्बन. राइट सो वी विल स्टार्ट विद द 15 कार्बन नाउ. अब देखें कि रुबिस्को एक एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो ऐड किए जाएंगे इनटू द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबुलोज बिसफॉस्फेट. राइट उससे अब ये कह लें कि 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे एक 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड के. यू सीन हियर कि 1 2 3 4 5 एंड 6 सो ये 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड है. सो अल्टीमेटली यू आर हैविंग अ कंपाउंड विद 18 कार्बन जो कि फौरी तौर पे डिसोसिएट होगा इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट. राइट सो इससे आप कह लें कि इस अनस्टेबल कंपाउंड से 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे 3 कार्बन कंपाउंड के 3 फॉस्फोग्लिसरेट के. सो हेयर अब कार्बन कितने आ गए हमारे पास 18 कार्बन. देखें पहले 15 कार्बन से राइबुलोज बिसफॉस्फेट के पास राइट 3 मॉलिक्यूल राइबुलोज बिसफॉस्फेट इसके पास टोटल 15 कार्बन से. अब 3 कार्बन इसमें ऐड किए गए इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को और उसके बाद वी एंडेड अप हैविंग 18 कार्बन. सो पहले 3 मॉलिक्यूल्स बने 6 कार्बन कंपाउंड के और ये अनस्टेबल कंपाउंड था इसकी डिसोसिएशन से वी एंडेड अप हैविंग 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरेट. सो वी आर हैविंग द 18 कार्बन नाउ. ऑलराइट अब मल्टी स्टेप प्रोसेस से जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के और साथ 6 ATPs और 6 NADPH2s की यूटिलाइजेशन से
राइट क्या होगा कि ये जो बेसिकली ये जो सिक्स मॉलिक्यूल्स हैं 3-फॉस्फोग्लिसराइड के, ये कन्वर्ट होंगे इनटू द सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, राइट. सो इससे क्या बन गए, सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जो कि अगेन एक 3-कार्बन कंपाउंड है. सो 18 कार्बन से वो एंडेड अप हैविंग 18 कार्बन अगेन. तो उसके बाद फिर इनमें से जो एक ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है वो साइकिल से आउट मूव कर जाता है, और अल्टीमेटली जब एक साइकिल से एक G3 भी बना, दूसरे साइकिल से दो G3 भी बने, तो दो 3-कार्बन कंपाउंड से यू विल एंड अप हैविंग अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. बहरहाल जो बाकी कह लें कि 5 मॉलिक्यूल्स हैं G3P के, वो रिसाइकिल हो जाएंगे और मल्टी स्टेप प्रोसेस से और 3 ATPs की यूटिलाइजेशन से दोबारा फिर आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, किसके, रेबुलोज बिस फॉस्फेट के. सो हेयर यू कैन सीन हेयर कि 5 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 3 कार्बन, पहले 18 कार्बन हमारे पास यहाँ पे आ गए, इसमें से 3 कार्बन आउटसाइड साइकिल मूव कर गए, 15 कार्बन इधर आ गए इन द फॉर्म ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-कार्बन कंपाउंड्स. फिर मल्टी स्टेप प्रोसेस से अगेन हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स बने 5-कार्बन कंपाउंड के, रेबुलोज बिस फॉस्फेट के, और इसमें 3 ATPs जो हैं वो भी यूटिलाइज हुई हैं, और अगेन द रेबुलोज बिस फॉस्फेट कैन टेक पार्ट इन द नेक्स्ट साइकिल. सो इसमें आपने गौर किया है कि बेसिकली जो डार्क रिएक्शन है इसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं. नंबर 1 कार्बन फिक्सेशन है, जो कि रुबिस्को की मदद से हुई है. हमने देखा कि रेबुलोज बिस फॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन किया है रुबिस्को एंजाइम ने, एंड वी डेवलप्ड वी गॉट दिस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसराइड. तो ये वाला जो प्रोसेस है बेसिकली ये क्या है, दिस इज कार्बन फिक्सेशन. उसके बाद फिर ये जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं 3-फॉस्फोग्लिसराइड के, बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स ATP और NADPH2 की यूटिलाइजेशन के साथ ये कन्वर्ट होते हैं इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. तो बेसिकली ये क्या है, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं दिस इज रिडक्शन, ये रिडक्शन है. और उसके बाद फिर ये जो 6 मॉलिक्यूल्स बने हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के, उसमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो आउटसाइड साइकिल मूव कर गया, और अल्टीमेटली 5 मॉलिक्यूल्स वो उन्होंने रिसाइकिल होकर दोबारा बना दिया रेबुलोज बिस फॉस्फेट. सो बेसिकली अब कह लें कि ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं दिस इज द रीजनरेशन. सो 5 G3P मॉलिक्यूल से अल्टीमेटली 3 RUBP मॉलिक्यूल्स का बनना, ये जो प्रोसेस है ये रीजनरेशन है. सो जो केल्विन साइकिल है इसके 3 बेसिक रिएक्शंस हैं, कार्बन फिक्सेशन नंबर 1, नंबर 2 रिडक्शन, एंड नंबर 3 द रीजनरेशन, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया था. अब यहाँ पे कैलकुलेशंस में भी थोड़ा सा फोकस करें. आपने देखा कि एक केल्विन साइकिल में 3 कार्बन टॉप पे ऐड हुए हैं और 3 कार्बन ही बॉटम पे वो साइकिल से आउट मूव किए हैं. सो एक कह लें कि अल्टीमेटली जो इस पूरे साइकिल के अंदर जो नेट गेन है कार्बन का वो अल्टीमेटली 0 ही है, क्योंकि 3 कार्बन ऐड भी हुए और 3 कार्बन इसमें से रिमूव हो गए, राइट. सो वी स्टार्टेड विद द 15 कार्बन, वी एंडेड अप विद द 15 कार्बन, दैट्स वाई वी कॉल इट अ साइकिल. उसके अलावा अगर आप गौर करें तो अब आपसे एग्जाम ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3PGA या फॉस्फोग्लिसराइड की अगर कन्वर्जन हो इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P, इसमें कितने ATP यूज होंगे, 6, कितने NADPH2 यूज होंगे, वो भी 6, राइट. सो अगर एग्जाम आपसे इतने रिएक्शन को फोकस करके क्वेश्चन पूछता है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसराइड ने कन्वर्ट होना है इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, तो इसमें ATP कितने यूज हुए हैं, 6, और NADPH भी 6. हाँ, अगर एग्जाम आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि ओवरऑल एक G3P मॉलिक्यूल के बनने के लिए टोटल कितने ATPs यूज हुए हैं, तो इसमें फिर पूरे साइकिल के ATPs हम काउंट करेंगे, 6 ये वाले भी काउंट करेंगे और 3 ये वाले भी काउंट करेंगे, 6+3=9. सो दिस इज फॉर 1 G3P, राइट. हाँ, NADPH जो है इसके अलावा कहीं और नहीं यूज हुआ, तो अल्टीमेटली 1 G3P के लिए जो NADH मॉलिक्यूल्स की कंजम्पशन है वो 6 ही रहेगी. हाँ, अब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के ओवरऑल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, चूंकि साइकिल 2 रन होंगे, तो अल्टीमेटली हम ATP के काउंट और NADPH के काउंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो बेसिकली 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बनने के लिए ओवरऑल यू सीन हेयर के 12 NADPH2 और 18 ATPs हमें रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि हमने अभी शॉर्टली डिस्कस भी किया था. दोबारा फिर हम उस फैक्ट को रिवाइज करते हैं. टू प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज इट टेक्स 2 टर्न्स एंड यूजेस 18 ATPs एंड 12 NADPH2. और हमने अभी ये भी देखा है साइकिल के अंदर टू प्रोड्यूस 1 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट
right? It takes one turn and 9 ATPs and 6 NADPH. और क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल एग्जामिनर आपका रेज भी कर सकता है, वो खास तौर पे फॉस्फोग्लिसरेट की ग्लिसरल डाइट 3 में कन्वर्जन के दौरान वो आपसे ATP और NADPH के नंबर्स पूछ सकता है, देन इट कैन बिकम अ ट्रिकी क्वेश्चन. सो आंसर दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन केयरफुली. सो दिस इज अबाउट द केल्विन साइकिल. इसमें हमने एक एंजाइम स्टडी किया है विच इज रूबिस्को. बेसिकली ये नाम रूबिस्को है एंड दिस इज अ डिस्को एंजाइम, राइट? व्हाई दिस इज डिस्को? क्योंकि बेसिकली ये जो एंजाइम है इसकी डुअल एक्टिविटी है, राइट? सो अगर इस एंजाइम को ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हो तो ये क्या करता है, ये ओवरऑल रिएक्शन को पुश कर देता है, तो ये टुवर्ड्स द केल्विन साइकिल, तो ये एज अ कार्बोक्सिलेज एक्ट करता है. अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अवेलेबल हो तो रूबिस्को इट एक्ट्स एज अ कार्बोक्सिलेज. ये कार्बोक्सिलेज के तौर पे एक्ट करेगा जिसके नतीजे में केल्विन साइकिल रन होगा लो टेम्परेचर में, और जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रेशियो ज्यादा है उस वक्त ये कार्बोक्सिलेज के तौर पे एक्ट करके केल्विन साइकिल रन कराएगा. जबकि अगर रूबिस्को को ऑक्सीजन ज्यादा अवेलेबल है जैसे कि हाई टेम्परेचर कंडीशन में, और जब कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन रेशियो जो है वो लो है, तो फिर ये क्या करेगा, रूबिस्को ये ऑक्सीजनेज के तौर पर, ये ऑक्सीजनेस के तौर पे काम करेगा और अल्टीमेटली ये जो है वो रिएक्शन को पुश करेगा टुवर्ड्स द फोटो रेस्पिरेशन. सो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी है. अगर इसको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मयसर होगी, ये एज कार्बोक्सिलेज एक्ट करके केल्विन साइकिल रन करवाएगा. अगर इसको ज्यादा ऑक्सीजन मयसर होगी, ये एज ऑक्सीजनेज एक्ट करके फोटो रेस्पिरेशन रन कराएगा. एंड केल्विन साइकिल इज गुड फॉर द प्लांट, जबकि जो फोटो रेस्पिरेशन है दिस इज बैड फॉर द प्लांट. नॉर्मली आप कह लें कि इसकी जो 80% एक्टिविटी है वो कार्बोक्सिलेज और 20% जो एक्टिविटी है वो ऑक्सीजनेज होती है, लेकिन अगर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल ना हो, ऑक्सीजन अवेलेबल हो हाई क्वांटिटीज के अंदर, फिर जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है ये फर्दर इंक्रीज भी हो सकती है. सो दिस इज अबाउट रूबिस्को. और एक और बात मैं आपको जो बताना चाहूंगा रिगार्डिंग द रूबिस्को एंजाइम, कि ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है ऑन द प्लैनेट अर्थ, राइट? चूंकि रूबिस्को सीन हेयर के कितने ज्यादा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और ऑफकोर्स उनके अंदर रूबिस्को प्रेजेंट है, तो इसलिए मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है ऑन द प्लैनेट अर्थ. और चूंकि ये एक प्रोटीन बेस्ड एंजाइम है, तो इसीलिए अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन या मोस्ट अबंडेंट एंजाइम प्लैनेट अर्थ पे कौन सा है, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी रूबिस्को. हाँ, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ आर बॉडी अगर पूछी जाए, मे बी उसका आंसर जो है वो कॉलेजन है, लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द प्लैनेट अर्थ, तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दैट क्वेश्चन वुड बी रूबिस्को. या मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द प्लैनेट अर्थ, अगेन बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी रूबिस्को, विच इज डुअल एंजाइम विच हैज गॉट द कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी एज वेल एज द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी. सो दैट्स ऑल अबाउट द डार्क रिएक्शन. इसके साथ ही हमने बायोएनर्जेटिक्स और फोटोसिंथेसिस के सबसेक्शन के साथ अपनी डिस्कशन को कंक्लूड किया. थोड़ा सा ट्रिकी और टफ एरिया है, राइट? आई वांट यू टू लिसन दिस लेक्चर अगेन इफ नीडेड, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और इसके बाद फिर फास्ट वी नोट्स को भी रिवाइज करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और टेक्स्ट बुक को रिलेट करके लेक्चर के साथ स्टडी करें, राइट? इंशाल्लाह यू विल फील वेरी कंफर्टेबल व्हाइल यू वुड बी अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस ऑन योर फाइनल एग्जाम, क्योंकि इस एरिया से एग्जाम के हार्डेस्ट क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं. सो एग्जामिनर पास एक बड़ा लंबा चौड़ा मार्जिन है क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल को रेज करने का. तो मैंने सिंपलेस्ट क्वेश्चन से लेके मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस तक आपसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर पूछे हैं, ताकि आपकी जो कह लें कि क्वेश्चन बायस डेवलप हो सके, आप इस एरिया को एग्जाम की आंख से देख सकें. यही मेरी ड्यूटी है, टू प्रोजेक्ट द मटेरियल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक थ्रू द आईज ऑफ एग्जाम. और मैंने यही किया है, मैंने इस एरिया को एग्जाम की आईज से आपको पढ़ाने की कोशिश की है. आई होप दैट यू हैव एंजॉयड लर्निंग this particular subsection with me. See you soon with another subsection. Thank you very much.